जो संपूर्ण हिंदी ग्रामर के लिए है। तो इस आज के इस वीडियो में जो कि पार्ट वन है, इसमें हम सबसे पहले संधि कवर करेंगे। संधि में होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अलावा इस पे कुछ एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा के बाद आपको देखने को मिलेगा सर्वनाम। सर्वनाम के बाद हम कवर करेंगे क्रिया, और क्रिया के बाद विशेषण को देखेंगे। विशेषण के बाद हम कारक को देखेंगे, और कारक के बाद उपसर्ग देखा जाएगा। यानी कि ये वीडियो आपके लिए इतने सारे चैप्टरों को ऐड करके बनाई गई है। हिंदी ग्रामर में जो बाकी के चैप्टर हैं उनके लिए दूसरा भाग ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो। संधि, तो संधि क्या होती है? तो संधि मतलब कि जोड़। जैसे कि पहले जो युद्ध होता था उसके बाद संधि होती थी, तो संधि मतलब कि आप जोड़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको संधि और समास में एक चीज का अंतर समझना होगा। जो समास होता है उसमें भी जोड़ होता है, संधि में भी जोड़ होता है। लेकिन संधि में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब कि अक्षर, इनका मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। तो यह एक कॉमन अंतर है और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे कि समास में शब्दों का मेल होता है लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। तो संधि में होता क्या है कि जब दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं मिल करके एक नया परिवर्तन लाते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। संधि का परिभाषा कई बार पूछा गया है, जहां पे रिटन एग्जाम होते हैं, जैसे किसी का मेंस हो रहा है तो वहां पे पूछा जाता है संधि के बारे में बताइए। तो संधि के बारे में यही है कि यह दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होता है और वहां पे अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे संधि। जैसे कि यहां पे देखिए, सत धन आनंद, सत है और इसके साथ जब आनंद को जोड़ा गया है तो बन गया है सदानंद। कितना परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें का त जो कि हलंत है, आधा त है, और इसमें का अ दोनों मिलकर के बना दिए हैं द। यानी कि आधा त था उसके बाद अ आया, मिलकर के बन गया द। तो एक नया वर्ण बन गया, मतलब यहाँ पे संधि हुई है। इसी तरह सम धनतोष, तो ये हो गया संतोष। इसी तरह आप देखेंगे देव धन इंद्र, ये हो गया देवेंद्र। भानु धन उदय, ये हो गया भानुदय। तो ये हो गई संधि। संधि मतलब कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं संधि। अब देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के कुल मिला के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार मतलब कि स्वर संधि पहली, व्यंजन संधि दूसरी, विसर्ग संधि तीसरी। अगर बात करें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसमें स्वर संधि के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यंजन और विसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वर क्या होता है। तो आपने सुना होगा स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन दो चीजें होती हैं। तो स्वर में क्या होता है कि जो अ आ ये सब आते हैं इसको हम स्वर कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन में जो क ख ग घ अज्ञातक है उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो आपने देख लिया कि स्वर में क्या होता है कि अस आ ई उ जो ये स्वर है, तो अगर स्वरों के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब कि जो प्लस का चिन्ह है उसके पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो इस तरह में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। इसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो ये होता है स्वर संधि, जिसमें कि प्लस के आगे भी स्वर आना चाहिए, प्लस के बाद भी स्वर आना जरूरी है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, विद्या, इसमें लास्ट में आ है, विद्या के लास्ट में आ है, और प्लस, इस प्लस के बाद फिर से आ है, यानी कि इस प्लस की दोनों तरफ आ है, तो दोनों स्वर हैं, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि मुनि धन इंद्र, यानी कि इसका हो जाएगा मुनिंद्र, और इसी तरह श्री धनीश, इसका हो जाता है श्रीश। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस के दोनों तरफ ई है, दोनों स्वर हैं, यानी कि यह स्वर संधि है। श्री धनीश, तो यहाँ पे प्लस के पहले श्री स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, तो यहाँ पर भी अभी स्वर संधि हो गया। गुरु धन उपदेश, तो प्लस के पहले स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, यानी कि अभी एक स्वर संधि ही है। अब देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि की कुल मिला के पांच प्रकार होते हैं, जो कि परीक्षा में फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं बताइए। तो स्वर संधि के पांच प्रकार हैं और आपको उनको देखना होगा, उनके नाम आपको याद रखना जरूरी है। जैसा कि पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो देखिए, यह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होता क्या है कि दीर्घ, दीर्घ का पहले मतलब जान लीजिए, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसका एक सूत्र है अकार सवर्ण दीर्घ, मतलब कि कुछ भी रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा हो जाना। जैसे कि अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो आ बनता है, मतलब कि कुछ भी होगा तो बड़ा वाला बनेगा। जैसे कि अगर अ या फिर आ में पूछा जाए कि कौन बड़ा है तो आ बड़ा है। इसी तरह अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी कि अगर अ के बाद आ आता है तभी भी आ, आ के बाद आ आता है तभी भी आ, आ के बाद अ आता है तभी भी आ, मतलब कि कभी भी बड़ा वाला ही बनेगा। इसी तरह सेम टू सेम होता है, जैसे कि अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो इसका हो जाता है बड़ी ई। जैसे कि अगर इसका आपको एक उदाहरण बताएं, तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं पुस्तक धन आलय, सही हो गया पुस्तकालय। यहाँ पे देखिए प्लस से पहले क्या है? अ है, क्योंकि पुस्तक मिलाश में क है और क तो एक व्यंजन है, और व्यंजन में क्या अंत में जुड़ा है? अ। तो पुस्तक में अ है और इसके बाद आलय में शुरू में क्या है? आ है, यानी कि अ और आ ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ। क्योंकि यह दीर्घ संधि होता है कि जब भी सेम स्वर मिले, सेम स्वर मिले तो ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, और दीर्घ मतलब कि बड़ा। अगर अ आ रहेगा तो आ हो जाएगा, ई ई रहेगा तो बड़ी ई हो जाएगी। अगर यही चीज उ उ या फिर उ बड़ाऊ में रहे तो ये हो जाता है बड़ाऊ। तो मतलब समझने का, आपको बताने का ये मतलब बताना चाहते हैं कि जो भी रहेगा अगर सेम है तो उसका बड़ा वाला हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे कई उदाहरण दिए गए हैं, और अगर अगर ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है तो आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो उदाहरण उदाहरण दे दिया जाएगा आपसे, या तो संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी संधि है। उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण को समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि पुस्तक धन आलय, तो ये हो गया पुस्तकालय। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो परीक्षा में पूछेगा कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, या फिर पुस्तकालय में पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिए। इसके अलावा अगला उदाहरण है विद्याधन अर्थी। तो विद्या को अगर यहाँ पे हम लिख दें विद्याधन अर्थी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, आ है, और प्लस के बाद क्या है, अ है। कुछ भी रहेगा अगर दोनों सेम है, अ या आ में, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ये दीर्घ संधि का हमने फार्मूला देखा है। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पे आ और अ मिलकर के बन गया आ। इसी तरह रफी धन इंद्र, तो इसमें छोटी ई का मंत्रा है और इसमें भी छोटी ई का मंत्रा है। छोटी ई का मंत्रा प्लस छोटी ई का मंत्रा मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे ये रविंद्र होना चाहिए इस तरह। जैसे कि इसमें देखिए गिरी धन ईस, तो इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद फिर से बड़ी ई आ गई है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, बड़ी ई। यानी कि गिरी धन ईस बराबर है गिरीस। भानु धन उदय, तो इसमें छोटा ऊ का मंत्रा है, इसमें छोटा ऊ है, लेकिन मिलकर क्या बनेगा, हमेशा बड़ा वाला बनेगा, यानी कि बड़ा ऊ बन जाएगा। इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, इसमें भी बड़ा ऊ है, लेकिन बड़ा ऊ चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा क्या होगा, रिजल्ट बड़ा ही आएगा। ये फार्मूला होता है दीर्घ संधि का। यानी कि आप ये समझिए कि आपको परीक्षा में कैसे समझना, मतलब कि पहचानना है कि दोनों सेम होंगे, प्लस के पहले या तो अ या आ होगा, प्लस के बाद या तो अ या आ होगा। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो उनका रिजल्ट हमेशा और हमेशा बड़ा वाला होगा। और आपको एग्जाम्पल पर तो खास ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि बताइए गिरी धन इसको अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, और आपको उदाहरण दे दिया जाएगा गिरी या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह उदाहरण दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि गिरी धन इस बराबर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ये वाला। क्योंकि कुछ भी हो, हमने दीर्घ संधि में देखा कि क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस संधि में बस यही है कि अगर सेम आएगा प्लस से पहले और प्लस के बाद, इन दोनों की मतलब की अ या आ में से, तो हमेशा उसका क्या होगा, दीर्घ होगा। इसमें से अगर कोई आता है तो हमेशा क्या, दीर्घ होगा। बढ़ते हैं आगे अगले संधि की तरफ। तो अगली संधि है गुण संधि, जो कि जो स्वर संधि है उसका अगला पार्ट है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आता है। देखिए गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद, अ या फिर आ के बाद क्या आ सकता है, ई या फिर ई, ठीक, या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ, ओ या फिर री, ये आ सकता है। तो अ या आ के बाद अगर कोई भी ई आए, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो इसका बन जाता है ए। अगर ऊ या फिर ऊ आए अ या आ के बाद ही, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो इसका क्या बनेगा, जब इसका आज बन जाएगा ओ, और अगर री आता है तो इसका बन जाता है अर। तो देखिए इसमें और जो दीर्घ संधि बीती है उसमें क्या डिफरेंस है, तो दीर्घ संधि में और इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि दीर्घ संधि में सेम आते थे, मतलब कि उसी, मतलब कि जैसे ओ आया तो ओ आ ही आ रहा है, ओ आ के बाद ई नहीं आ रहा है, ई ई के बाद ई ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गुण संधि में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ओ या फिर आ प्लस से पहले आएगा, प्लस से पहले केवल यही आएगा, प्लस के बाद अगर ई या फिर बड़ी ई आता है तो ए, ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो ओ, री आता है तो अर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, आप इसे जैसे मन वैसे याद रख लीजिए। जरूरी है यहाँ पे उदाहरण को समझना, क्योंकि आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा परीक्षा में। यहाँ पे देखिए उदाहरण है नर धन इंद्र, बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। तो यहाँ पे नर में क्या है, नर में जो र लास्ट में, इसमें र में क्या है तो अ है, क्योंकि र में अ मिला हुआ है, क्योंकि अगर र को आप तोड़ेंगे तो आधा र और प्लस अ ऐसे होता है। तो र के लास्ट में अ है और इसके साथ प्लस में क्या आया है, ई। तो अभी हमने फार्मूला देखा कि अ या फिर आ के बाद ई या फिर ई आए तो क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा। तो नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। उसी तरह सुर, सुर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र। सुर में लास्ट में क्या है, अ है और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं तो ज्ञान धन उपदेश। देखिए पहले वाले से कोई मतलब नहीं है कि पहले में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपको सिंपली प्लस से आगे वाले को देखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ज्ञान धन उपदेश, तो इसमें है अ, क्योंकि हर में मतलब प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें स्वर समाहित होता है अ, प्लस इसमें ऊ है, और जब अ के बाद ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो यहाँ पर भी ओ हो जाएगा, यानी ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश। भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। देव धन ऋषि, तो देव में क्या है, अ है, और इसमें शुरू में क्या है, री है, तो अगर अ या फिर आ के बाद री आए तो क्या होता है, अर हो जाता है, मतलब कि ऊपर मंत्रा लगता है, उड़ंतुआ जिसको हम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा देवर्षि। इसी तरह महर्षि होता है, तो महर्षि में क्या होता है, महाधन ऋषि, तो इसका हो जाता है क्या, यहाँ पे आ है, यहाँ पे री है, तो अ या फिर आ के बाद अगर री आए तो क्या हो जाएगा, अर, यानी कि इसका हो जाएगा महर्षि, ये इसका हो जाएगा। सर्वधन इच्छण, तो ये हो जाएगा सर्वेक्षण। तो इस तरह आपको उदाहरण पे खासा फोकस देना है। वैसे हमने कोशिश किया है कि यहाँ पे हम वही उदाहरण को लें जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि अगर आपको थोड़ा बहुत याद रखता है तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके काम आ सकता है। बढ़ते हैं अगले संधि की तरफ, जो कि होगी तीसरी, और यह है वृद्धि संधि। तो अभी तक आपने देखा पहली स्वर संधि, दूसरी गुण संधि, और तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ अगर ए या फिर आए आए तो आए बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिख दें आसान भाषा में, अ या फिर आ के बाद
ए आय या फिर आय आय, ये दोनों आए तो क्या बन जाएगा, आय, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है, बड़ा। और इसी तरह अ या फिर आ के बाद ओ या फिर ओ आए तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा अ। वृद्धि संधि में बस यही दो फार्मूले हैं कि जब अ या आ के बाद ए या फिर आय आए तो आय हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ या फिर ओ आए तो ओ हो जाएगा, बस यही दो हैं। और देखा जाए तो क्वेश्चन वृद्धि और आयादि इन दोनों से बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और जब भी हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण है मत धन एकता, मत धन एकता, तो मत में क्या है, लास्ट में अ है और इसमें शुरू में क्या है, ए है। तो अब आपको जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि मत धन एकता में कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत अपने दिमाग में देखना होगा कि भाई जो अ या फिर अ के बाद अगर किसी में ए आता है तो ये कौन सी संधि होती है। तो देखिए अ के बाद ए आता है तो ये वृद्धि संधि में ऐसा कंडीशन आता है, और इसमें जब अ के बाद ए आएगा तो क्या होता है, हमेशा उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बड़ा वाला हो जाता है, जो भी होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें जब वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे देखिए मत धन एकता बराबर यहाँ पे एक मंत्र हो गया है मत एकता, उसी धन एक धन एक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एकाएक वाला, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो एक धन एक बराबर होता है एकाएक, तो इसमें एक में क्या है, यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको, इसमें अ है और इसमें ए है, तो जब अ के बाद ए आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा आय हो जाता है, यानी कि अब हो जाएगा एक और इसमें आय मंत्रा और कैक एकाएक। उसी तरह धन धन ऐसा धन ऐसा सदा धन एव सदैव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इन्हीं जो स्वर संधि से हम प्रैक्टिस कराएंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, और उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी संधि की तैयारी कितना है। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना है आपको, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप सही सही हमें कमेंट करके बता पाएं कमेंट बॉक्स में। तो अगला है महाधन ओज। तो देखिए महा में क्या है कि महा में अगर आप देखेंगे तो आ है लास्ट में, क्योंकि महा इसमें हो में आ है और इसके साथ ओ, तो जब आ के बाद ओ का मंत्र आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा है कि जब आ के बाद कुछ भी होगा तो ओ हो जाएगा। तो इस तरह आपको आसानी से याद रखना होगा कि जो भी होगा इसमें वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। आपको उदाहरण पे खासा फोकस रखना है, उदाहरण डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, फार्मूला वहाँ पे नहीं पूछा जाता है, कभी भी आपसे फार्मूला नहीं पूछा गया है देखा जाए तो, लेकिन उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं और बदल बदल के उदाहरण पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण की जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो अगली जो संधि है वो है यड़ संधि, और देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे आती है। इसका फार्मूला ये है कि यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर, मतलब कि अगर अ आ जाए तो हो जाएगा य, अगर यहाँ पे आ आएगा तो यहाँ पे या हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे उ या फिर ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए, मतलब अ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, व, अगर आ आएगा तो वाह हो जाएगा। इसके साथ यदि री आता है, री के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो ये हो जाएगा र। यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान देना होगा कि अगर अ के बजाय आ जाता है तो आपको य के बजाय या कर देना है। यहाँ पे एक मंत्र आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको मंत्र जोड़ना पड़ेगा, ये फार्मूला है यड़ संधि का। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इति धन आदि, तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बड़ी छोटी के मंत्र और इसके बाद है आ, यानी ई के बाद आ आया है तो क्या हो जाएगा, या। जैसे कि हमने आपको बताया अ आता है तो य होता है, आ आता है तो या हो जाएगा, क्योंकि एक मंत्रा यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ पर भी एक मात्रा को बढ़ा देना है। उसी तरह इसमें बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद आ है, यानी कि अगर इसको आप इस तरह लिखें तो आ है, तो इसका क्या हो जाएगा, या होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे पर्यावरण हो गया है। तो आपसे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल के तौर को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपसे इसी तरह पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि पर्यावरण कौन सी संधि है, ऑप्शन दे दिया जाएगा गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, और ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको परिधनावरण लिखना होगा। अनुधन अय, जो कि अगला एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, उ है और उ के बाद अ आया है, यानी कि जब उ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है, व, यानी कि देखिए यहाँ पे उ और अ के बाद व आया है तो यहाँ पे व हो गया है। इसी तरह ये स्वागत वाला जो एग्जाम्पल है कई बार पूछा जाता है, तो सुधन आगत, तो यहाँ पे उ का मंत्र है, यहाँ पे आ है, और उ के बाद जब आ आता है तो क्या हो जाता है, व हो जाता है, अगर आ आएगा तो वाह हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आ आता है उ के बाद तो वाह हो जाएगा। अगला है कि अभिधन आगत, बड़ी के मंत्र बड़ा, बड़ी के बाद बड़ा, मतलब कि आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, यह होगा। तो इस तरह आपको जो इनका संधि विच्छेद है उनको भी याद रखना होगा, जैसे स्वागत का सुधनागत, अभ्यागत का अभिधनागत, अन्वय का अनुधन अय, इस तरह। बढ़ते हैं अंतिम संधि की तरफ, जो कि स्वर संधि का अंतिम है और ये पांचवा होता है, यह है अयादि संधि। अयादि संधि थोड़ी सी बड़ी है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हालांकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि नयन, पावक, पवन, इस तरह के कई एग्जाम्पल यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए या फिर ए, इसके साथ अगर कोई भी, अगर ए के बाद आए, पहले ए के हम बता देते हैं, ए के बाद अगर कोई आए तो ये हो जाएगा आय, अगर ए या फिर आय के बाद, अगर आय के बाद कोई आएगा तो ये हो जाएगा आय। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, अगर ओ के बाद कोई आता है, ओ के बाद ये हो जाएगा अव, और अगर इसके साथ अव के साथ आता है तो ये हो जाएगा आव। बस आपको यही चारों को देखना है, अगर ए के साथ अ आता है तो अय, आय के साथ अ आता है तो आय, ओ के साथ अ आता है तो अव,
औ के साथ अ आता है तो आ हो जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, निधन अन, यानी कि यहाँ पे बड़ा एक मंत्रा है और बड़ा ही नहीं है, सिंगल है, मतलब कि ए है और यहाँ पे अ आ गया, तो जब ए के बाद अ आता है तो क्या होता है, अय, यानी कि ने धन अन बराबर है नयन। उसी तरह इसमें बड़ा ए है, मतलब कि इसको हम आय बोलते हैं, तो आय वाले में क्या होता है, आय हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा मतलब कि आ का मंत्र लग जाएगा। तो अगला है भू धन अन, यानी कि इसका हो जाएगा भवन, ओ के बाद अ आया है तो ओ के बाद जब अ आएगा तो क्या हो जाएगा, अ। तो इस तरह ये अगला एग्जाम्पल है पूजनित, यानी कि पवित्र। तो ये हो गई अयादि संधि। अगर आपको मतलब कि इसमें और ज्यादा सक्सेस पाना है खास करके संधि में, तो आपको जो भी इसके एग्जाम्पल हैं सबको याद करना होगा लगभग लगभग में, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो बस अब इस वीडियो में खत्म होने वाली है, और अब आपके सामने आएंगे कुछ एग्जाम्पल और वो आपके लिए टेस्ट भी होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप उसका उत्तर कमेंट करके जरूर बता पाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग ऑफलाइन वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार की होती है, चलिए अपना अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो संधि होती है तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, अभी अभी हमने क्लियर किया है स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, तो ये होते हैं पांच, दीर्घ, स्वर, वृद्धि, यण और इसके साथ अयादि संधि। अगला है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव शब्द का संधि विच्छेद। देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो यह होता है सदाधन एव, आधन ए बराबर हो जाता है आय, ये होता है सदैव। चलिए आगे बढ़े, लेकिन यहां से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि में इसमें कौन सी संधि है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में, तो यद्यपि में संधि है यड़ संधि, इसका अगर संधि विच्छेद पूछे तो हो जाएगा यदि धन अपि, यद्यपि, तो इसका इसमें संधि है यड़ स्वर संधि। अगला है कि भाव का संधि विच्छेद बताइए, तो यह है भाव धन उक, भाव धन उक। देखिए यहां पे ये अयादि संधि है, और इस तरह आपको याद रखना होगा कि ये कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है। अगला है कि नयन में कौन सी संधि है, नयन में, तो ये होता है अयादि संधि, इसको हमने कवर किया था, नय, नय धन, ने धन, यन होता है, अन होता है, तो ये होता है नयन, यानी कि ये है अयादि संधि। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है वीर धन उचित, तो वीर धन उचित में है, यहाँ पे आपको बताना है कि वीर धन उचित को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, कमेंट आप कर सकते हैं, सही उत्तर है वीरोचित, और ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइए इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा वीरोचित। तो आप इसका आसानी से दे सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुण संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है गुण संधि का उदाहरण। तो गुण संधि का उदाहरण इसमें आप देखेंगे तो ये है अयादि संधि और ये है गुण संधि, यानी कि महर्षि है, अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ ले तब तो महाधन ऋषि, अगर आपको याद हो तो हमने ये एग्जांपल बताया है आपको इस वीडियो में, महाधन ऋषि होता है। तो अगला और अंतिम एग्जांपल है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में बताइए कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी अगर आप इसमें से देखेंगे तो सही हो जाएगी यण संधि। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका संधि विच्छेद बताइए, तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन उपकार। देखिए संधि विच्छेद में आपको ध्यान रखना होगा कि जो इसका विच्छेद हो रहा है उनका अलग अलग अर्थ भी निकले, ऐसा नहीं है कि आप कुछ मतलब किसी में भी तोड़ देंगे और वो एक संधि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जो शब्द बन रहे हैं अलग अलग उनका आप कोई अलग अलग अर्थ होना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि, और हम आपको बता चुके हैं कि स्वर संधि तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। देखिए व्यंजन मतलब क्या होता है, कि व्यंजन मतलब कि वो ऐसे वर्ण जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि जो वर्ण होते हैं दो तरह के होते हैं स्वर और व्यंजन, तो स्वर में आते हैं अ आ ई और व्यंजन में आते हैं क ख, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने स्वर संधि को ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्वर संधि में होता क्या था कि स्वर के बाद स्वर आता था, स्वर के बाद स्वर आता था, तो ये था स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन या स्वर मतलब पहले कुछ भी रहेगा, पहले व्यंजन आ सकता है या फिर स्वर आ सकता है, बाद में स्वर आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है, मतलब कि स्वर संधि में स्वर के साथ केवल स्वर का मिलन हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर का, व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मिलन हो सकता है। तो ये अंतर है व्यंजन और स्वर संधि में। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्धनहार, उत्धनहार तो आप त देखेंगे तो ये जो त है ये व्यंजन है। व्यंजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अलंत लगा हुआ है, इसमें अ का मंत्र नहीं लगा हुआ है, तो ये व्यंजन है और ह भी व्यंजन है, तो इन दोनों व्यंजन को मिलने के बाद क्या हो गया है, उद्धार बन गया है। एग्जाम पे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, आपसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको दे दिया गया उद्धार और पूछा जाएगा कि बताइए कि यह कौन सी संधि है, ऑप्शन हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यह है व्यंजन संधि। यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने वाली बात है आपको इनको कि जब आधा त और ह जुड़े हैं तो क्या हुआ है, द बन गया है। इसी तरह सप्तधन धर्म, ये मिला तो क्या बन गया, सद्धर्म, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आधा त है ये किसी भी वर्ड से मिलने के बाद द बना रहा है, द जो आधा द इसमें इंक्लूड रहता है इसको बना रहा है। उसी तरह अगला देखेंगे तो आच्छादन, तो आ है जो कि एक स्वर है और इसके साथ छादन जुड़ा है और ये मिल करके क्या बन गया है, आच्छादन। तो कवर करेंगे इसके सभी प्रकारों को तथा इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में उन सभी प्रश्नों को भी कवर कर देंगे जो कि बार बार आपके जो एग्जाम है वहां पे पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपने स्वर संधि में देखा था कि स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, उसी तरह व्यंजन संधि में भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहले नियम को, तो जो पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कि किसी भी वर्ग का, अब वर्ग क्या है, तो देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ
ये जो होते हैं ये वर्ग कहलाते हैं। जब ये क से शुरू हुआ है तो ये क वर्ग हो गया, इसको हम कहेंगे क वर्ग, इसको हम कहेंगे च वर्ग, इसको हम कहेंगे ट वर्ग, इसके बाद आता है त वर्ग, इसके बाद आता है प वर्ग, ठीक। तो ये वर्ग होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है और पांचवी है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि क वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है, तो क वर्ग में तीसरा वर्ण है ग, तो इसको कहा जा रहा है। अब इस रूल में कहा गया है कि किसी भी वर्ग का, मतलब कि पांच वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इसमें से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि पहला मतलब क्या, या तो क हो, या तो च हो, ट हो, या त हो, या फिर प हो, इनमें से किसी का भी, इनमें से अगर कोई हो और इसका मिलान किसी भी वर्ण के तीसरे या फिर चौथे वर्ण से, या फिर य र ल व से, या फिर किसी स्वर से होता है, तो जो भी रहेगा, जिसका भी रहेगा, उसका तीसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके समझिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि मतलब कि किसी का पहला हो, जैसे कि या तो क हो पहले, या फिर च हो, या फिर ट हो, या फिर त हो, या फिर प हो, इनके बाद, इनके बाद अगर तीसरा या चौथा, तीसरा या फिर चौथा, किसी के बाद तीसरा या फिर चौथा आ जाए, जैसे कि तीसरा या चौथा का मतलब क्या, तो जैसे क आ गया और क का तीसरा कौन होता है, क वर्ग का, तो ग, अगर क के बाद ग आता है तो क्या होता है, ये बताया गया है, ये हो जाएगा उसका तीसरा, क्या हो जाएगा, तीसरा, हर किसी का तीसरा हो जाता है, यही आपको रूल समझना होगा। देखिए यहाँ पे रूल में बताया गया है कि वर्ग किसी भी वर्ग का पहला, मतलब कि या तो क, च, ट, त, प, इसमें से कोई आ जाए और उसके बाद, मतलब प्लस के बाद, उसी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा, यानी कि अगर क आ रहा है तो उसी वर्ग का ग है या फिर घ है, या फिर इसके अलावा अगर य, र, ल, व, ह आ जाता है, या फिर कोई स्वर आ जाता है, तो तीसरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण से ज्यादा समझ में आ जाएगा, यहाँ देखिए दिक धन अंबर हुआ है, तो यहाँ पे क आ गया है, लेकिन क के साथ क्या जुड़ा है, एक स्वर जुड़ा है, तो हमने जो रूल है उसमें क्या देखा कि या तो उसका तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो, तो यहाँ पे एक स्वर आ गया है, तो जब स्वर रहता है तो क्या होता है, जो ये है क, इसका तीसरा बन जाता है, तो क का तीसरा कौन बनेगा, ग है, यानी कि देखिए यहाँ पे क आधा क और को जोड़ के क्या बन गया है, ग बन गया है, क्योंकि क का तीसरा क्या है, ग है। इसी तरह यहाँ देखिए दिक धन गज, तो यहाँ पे क है जो कि पहला है और इसके बाद ग आ गया है, तो ग क्या है, तीसरा है, क्योंकि हमने कहा था कि रूल में कि अगर तीसरा या चौथा है तभी तीसरा होता है, तो आधा क और ग को मिलाकर के क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे वाक है, मतलब कि पहले पहला वर्ण है, आधा क है, उसके बाद एक स्वर आ गया है, तो अगर स्वर आए या फिर तीसरा या चौथा है, तो हर कंडीशन में तीसरा ही होगा। अगर देखिए यहाँ पे, यहाँ इस तरह पूछा गया होता वाट धन इस, तो क्या बनता, अब इस ट का तीसरा बन जाता, अब इस ट का तीसरा कौन है, ड है, तो ई बन जाता वाट इस, वाडस बन जाता है इसका। तो इस तरह आपको देखना होगा कि उसी का तीसरा बने, जैसे कि आप देखेंगे कि अच धन अंत, अच धन अंत, तो चौथ पहला है तो रूल के अनुसार ये पालन कर रहा है, इसके बाद स्वर आ गया है, तो जब किसी भी पहले के बाद स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, तीसरा, तीसरा क्या होगा, च का, तो च, छ, ज, यहाँ पे आपने देखा है कि च का तीसरा क्या है, ज है, तो जब ज है तो यहाँ पे ये ज बन जाएगा, यानी अच धन अंत बराबर हो जाता है अजंत, यहाँ पे देखिए ज आ गया है। उसी तरह अच धन आदि, तो ये जो आधा च है ये पहला है, क्योंकि रूल में बताया गया है कि पहले पहला वर्ग आना ही चाहिए, उसके बाद या तो स्वर आ जाए या फिर तीसरा या चौथा आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ गया है, ये एक स्वर है, तो अगर पहले वर्ड के बाद तीसरा स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है, किसका तीसरा, तो इसका तीसरा, तो च का तीसरा क्या होगा, पहला होता है च, दूसरा होता है छ और तीसरा होता है ज, यानी कि बन जाएगा ज। उसी तरह सेम टू सेम अगर ट वाले में देखें, जो कि अब देखेंगे कि तीसरा वर्ग है, तो ट में क्या होता है कि ट के ड में बदलना, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि सट है उसके बाद आनंद, तो ये ट का तीसरा हो जाएगा, इस ट का तीसरा क्या होता है, तो ट, ठ और इसके बाद क्या हो जाता है, ड, तो हम आधा, मतलब कि अगर ये बन रहा है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ का मंत्रा है, तो आ का मंत्रा होने का ये तीसरा मतलब कि पूरा हो जा रहा है। इसी तरह सट धन्यंत्र, तो यहाँ पे ट है, ये पहला वर्ग का मतलब कि वो पहला है वर्ग और उसके बाद य आ गया है, तो हमने वहाँ पे बताया है आपको कि या तो किसी भी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण आए, या फिर य, र, ल, व, ह आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, अगर कोई भी स्वर आएगा तब भी, य, र, ल, व, ह आएगा तब भी, तीसरा या चौथा वर्ण आएगा तब भी, हमेशा और हमेशा उत्तर क्या होगा, तीसरा होगा। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है और इस नियम से ढेर सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो इसी तरह उदाहरण दे दिए जाएंगे, जैसे कि दे दिया जाएगा कि सड़ानन का सही संधि विच्छेद बताइए, सड़ानन का सही संधि विच्छेद बताइए, ऑप्शन दे दिया गया सट धन अनन, उसके बाद से सट धन आनन, सड धन आनन, और इसी तरह आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें आपसे सीधे संधि विग्रह पूछ लेता है। जब हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सर दर्शन को अगर हम तोड़े तो क्या बनेगा, तो हमको पता है कि जब देखिए परीक्षा में आप देखेंगे कि हमको दे दिया कि सर दर्शन, इसका संधि विच्छेद करिए, सर दर्शन, तो जब इसका संधि विच्छेद करना होगा तो संधि विच्छेद में होता क्या है कि जब दो अलग अलग बनते हैं तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ अर्थ आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दर्शन एक शब्द है लेकिन सर एक शब्द है, लेकिन ये ड नहीं होना चाहिए, और ड को आप देखेंगे तो ये कौन है, तीसरा है, मतलब तीसरा है ड, ट, ठ, ड तीसरा है। तो अभी आप याद करिए कि व्यंजन संधि में वो कौन सा रूल है कि जिसमें उत्तर में हमेशा तीसरा आता हो, तो उत्तर में तीसरा आने के लिए बस एक ही रूल है कि शुरू में पहला होना चाहिए, तो इस ड का पहला क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सट और उसके बाद दर्शन।
तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होगा। जैसे दे दिया तदुपरांत, तदुपरांत, तो आप देखेंगे कि यहाँ यहाँ पे जो उपरांत है वो तो एक शब्द है, लेकिन तद क्या है, यहाँ पे तद का तो पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द क्या है, तो द तीसरा है, और अब जब द तीसरा है तो किस नियम में तीसरा बनता है, तो ये बनता है व्यंजन संधि के पहले नियम में, और उसमें होना क्या चाहिए, तत्तदन उपरांत। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना सीखना होगा। और इसका अगर आप आसान देखें, अगर आसान मतलब आसानी तरह से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो उदाहरण है उनको याद करना होगा, उनको पढ़ना होगा बार बार, तभी आपको एग्जाम में इससे फायदा मिलने वाला है। क्योंकि पहले जब एग्जाम होते थे तो वहाँ पे स्वर संधि के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब के एग्जामों में व्यंजन संधि और विसर्ग को भी जोड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो आगे बढ़ते हैं, तो त का द में बदलना, तो देखिए त क्या है, पहला है, और ये बदल जाएगा किसमें, द में, द मतलब द में ही क्यों बदलेगा, क्योंकि जो ये त है इसका तीसरा होता है द, त थ, और इसके बाद तीसरा हो जाता है द। कब बदलेगा, जब त के साथ कोई भी स्वर आ जाए, या फिर तीसरा वर्ण खुद आ जाए, या फिर चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य व र ल हो आ जाए। तो यहाँ पे एक स्वर आया है तो तत्धन उपरांत, यहाँ पे एक स्वर है पहले, तो स्वर जब आता है तो क्या हो जाता है, तीसरा बन जाता है, यानी कि द बन जाएगा तदुपरांत। उसी तरह सप्तधन आशय, तो यहाँ पे पहला वर्ण है, पहला वर्ण के बाद स्वर आ गया है, तो स्वर आने के बाद क्या हो जाता है, इस त का तीसरा हो जाता है, तो त का तीसरा होता है द, सही उत्तर हो जाएगा सदाशय। उसी तरह तत्धन अनंतर, ये हो जाता है तदंतर। देखिए ये सारे एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये लगभग लगभग आप देखेंगे कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में डबल फायदा मिल सके। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए जो अंतिम वर्ग है प वर्ग, तो प में अगर कोई होगा तो ये किसमें बदल जाएगा, ब में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प फ उसके बाद क्या होता है ब, तो अप धन द, अप धन द, तो ये प है, और प के साथ यहाँ पे द आ गया है तो यहाँ पे अध होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको अप धन ज, तो ये बन गया है अप, क्योंकि यहाँ पे ये जो है तीसरा है, ये जो है क्या है तीसरा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ज वाला क्या है तीसरा है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर तीसरा या चौथा आता है तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, इसका तीसरा बनेगा, हमेशा इसका तीसरा बनता है, जो ये है जो पहले है प्लस के, इसका तीसरा बनता है, आपको इस बाद वाले का तीसरा नहीं बनाना है। तो व्यंजन संधि का आपने जो पहला रूल देखा उसमें क्या था कि अगर किसी भी वर्ण का पहला अक्षर आ जाए क च ट त प और इसके बाद, पहले तो ये आने ही चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो व्यंजन संधि का पहला नियम नहीं होगा, पहले ये आते हैं क च ट ट प इनमें से कोई भी, और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या फिर य र ल व ह और इसके साथ कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा और हमेशा इसका तीसरा बनेगा, मतलब क रहेगा तो ग बन जाएगा, च रहेगा तो ज बन जाएगा, ट रहेगा तो ड बन जाएगा, इसी तरह आगे भी। तो देखिए व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि या तो क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, इसमें से किसी अगर कोई भी प्लस के पहले हो और इसका मिलन या तो अंग से हो जाए, यहाँ से हो जाए, ज से हो जाए, अड़ से हो जाए, न से हो जाए, या फिर म से हो जाए, यानी कि प्लस के बाद इनमें से कोई आ जाए, अगर प्लस के बाद इनमें से कोई आ जाता है तो क्या होगा, तो जो पहले क रहेगा ये बदल जाएगा अंग में, जो च रहेगा ये बदल जाएगा ज में, ट रहेगा ये बदल जाएगा अड़ में, ट रहेगा ये बदल जाएगा न में, और प रहेगा ये बदल जाएगा म में। तो ये तो बेहद आसान है क्योंकि आपको देखना है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ गया और उसके बाद से जो अंग या ज अड़ न और म इनमें से कोई आ जाता है किसी के साथ, तो जो क रहेगा उसको मंग में बदल देंगे, च को हम ज में बदल देंगे, ट को हम अड़ में बदल देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आसानी हो, क को हम बदल देंगे अंग में, च को बदल देंगे ज में, ट को बदल देंगे अड़ में, त को बदल देंगे न में, और इसके साथ प को बदल देंगे म में, ये इसका रूल है। यहाँ पे देखिए जो क है किसमें बदल रहा है, अंग में, जैसे कि हमने आपको बताया। तो उदाहरण देख लीजिए वाक धनमय, वाक धनमय, तो यहाँ पे क्या है पहला वर्ण है, किसी भी वर्ण का पहला वर्ण है और इसके बाद म आ गया है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्लस के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, यहाँ पे म आ गया है तो इस क का क्या हो जाएगा, तो क का हो जाता है अंग, तो यहाँ पे हो जाएगा वांग्मय। इसी तरह प्राक धनमुख, तो यहाँ पे किसी भी वर्ण का पहला आ गया है और यहाँ पे म आ गया है, यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि अगर म आता है तो क्या बदल जाएगा, क बदलेगा, क किसमें बदल जाएगा तो अंग में बदलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि क अंग में बदलता है, च ज में बदलता है, ट अड़ में बदलता है, त न में बदलता है, और प म में बदलता है। आप देखेंगे कि ये थोड़ा हार्ड है स्वर संधि की अपेक्षा, लेकिन अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, खास करके जो भी यूपी ट्रिपल एससी है या फिर एसएससी में जो भी हिंदी वाले एग्जाम है वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि ट रहता है ये अड़ में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण है सट धन मूर्ति, तो यहाँ पे देखिए ट किसी भी वर्ण का पहला किसी भी वर्ण का पहला वर्ण है और इसके बाद म आ गया है। हमने आपको बताया था कि अंग इया ज और न या फिर म इनमें से कोई आ जाए तो जो ट रहेगा ये बदल जाएगा किसमें, अड़ में, ये हो जाएगा सण मूर्ति, सणमुख है, तो इसमें सट धन मुख। ये जो उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है ये सारे उदाहरण महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक के इन्हें लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ त और न में बदलने का उदाहरण देख लिए, तो ये है उत धन नति, तो इसमें जो देखिए ये पहला वर्ण है ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है त है और इसके साथ आ गया है न, तो जब किसी भी वर्ण के पहले वर्ग किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ न आ जाता है या फिर यहाँ आ जाता है अंग आ जाता है तो वहाँ पे त जो बदल जाता है किसमें बदलता है न में, तो ये हो जाएगा उत धन नति बराबर उन्नति, जगत धननाथ बराबर हो जाता है जगन्नाथ। ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है।
उसी तरह जो प होता है ये बदल जाता है म में, तो इसका रूल वही था कि अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ड जो कि यहाँ पे दिया गया है इसके बाद म आएगा तो क्या बदल जाएगा, प म में ही बदल जाता है। तो ये हो गया व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है इसमें कहा जाता है कि त के बाद यदि किसी का तीसरा चौथा, मतलब कि देखिए ये भी तीसरा चौथा है, ये भी तीसरा चौथा है, ये भी तीसरा चौथा है, या फिर यह रो या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो जो ये त था ये बदल जाएगा किसमें, द में। ये त किसमें बदल जाएगा, द में। या फिर म के साथ अगर क से म तक जैसे कि क ख ग घ ङ छ छ छ कोई भी वर्ण आ जाए तो म की जगह पे मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक के वर्ण बन जाएगा। जैसे कि क क के जैसे म के बाद अगर कोई भी वर्ण आ जाता है और अगर क से आएगा तो इसमें अंग बन जाएगा, च से आएगा तो इया बन जाएगा। इस तरह ये तीसरा रूल है, आपको अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए म के बाद क से अंग तक आ गया है, ये आ गया है ख। तो जब म के बाद ख आया है तो क्या हो गया है, इसका जो ये वाला आया है इसका जो अंतिम वाला है मतलब पांचवा वाला है वो बन जाएगा। पांचवा इसका क्या होता है, तो देखिए ख ग घ और अंग होता है तो ये बन जाएगा इसमें अंग। उसी तरह सम धन गम, तो सम ये गम है तो जब म के बाद कोई भी वर्ण आ गया और ये ग है तो इस ग का पांचवा बन जाएगा, तो इसका पांचवा क्या होता है, अंग होता है, क्योंकि क ख ग घ अंग। उसी तरह म के बाद अगर छ छ ज इया में से कोई आएगा तो क्या बन जाएगा, हमेशा इया बन जाता है। जैसे यहाँ पे किंचित आपने देखा होगा इस तरह लिखा होता है। इसी तरह म के बाद अगर कोई भी ट ठ ड ढ के कोई भी आता है तो क्या बन जाएगा, हमेशा अड़ बन जाएगा, क्योंकि इसका अड़ का ये होता है पांचवा अड़। मतलब कहने का मतलब ये है कि म के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है तो वहां पे उसका पांचवा बन जाएगा लास्ट वाला, जैसे कि अंग होता है, इया होता है, अड़ होता है, न होता है, ये पांचवा उसका बन जाता है। उसी तरह यहाँ देखिए म के साथ त थ द ध न आया है तो यहाँ पे इनका मतलब लास्ट वाला क्या होता है, न होता है, तो संतोष बन जाता है। यहाँ किन्नर बन गया है, संदेह बन गया है, मतलब कि इन सबका पांचवा क्या है, न है, तो ये पांचवा वर्ड बनने वाला ये नियम है। इस तरह कुछ और भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। तो चौथा नियम ये कहता है कि त से परे, मतलब कि त को छोड़ करके च या छ होने पर, त को छोड़ करके च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, मतलब कि त त के परे अगर त को त आने के बाद, मतलब कि त पहले आ गया और उसके बाद च या छ आने पर च हो जाएगा, च या छ कोई भी आ जाएगा तो च हो जाएगा, ज या झ आएगा तो ज हो जाएगा, ट या ठ आएगा तो ट हो जाएगा, ड या ढ आ जाएगा तो ड हो जाएगा, ल होने पर ल बन जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि प्लस से पहले तो त है, उसके बाद अगर च और ज आता है तो हमेशा क्या बनेगा, पहला वाला बन जाएगा, च बन जाएगा। झ या फिर ज या फिर झ आता है तो इसमें क्या बनता है, ये पहला वाला बन जाता है। उसी तरह ट या फिर ठ आता है तो इसमें पहला वाला बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए उत धन चारण, तो यहाँ पे त के बाद क्या आ गया है, च आ गया है। तो जब त के बाद च आ जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि च और छ के बाद क्या आता था, तो बनता था च। तो इस तरह आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप इन रूल्स को नहीं याद रखना चाहते, आपके लिए ज्यादा हार्ड हो रहे हैं, तो आपको इन एग्जाम्पलों को याद करना होगा। ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि व्यंजन संधि का ये कॉमन रूल है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए। जैसे कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है, उत्तधन डयन। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, उत्तधन लास। तो बढ़ते हैं पांचवें रूल की तरफ। तो पांचवा रूल ये कहता है कि यदि त का मिलन स से हो तो त को छ में और स को छ में बदल दिया जाता है। मतलब कि अगर त हो लास्ट में और शुरू में छ हो, अगर इस तरह का मिलन होता है तो जो ये त है इसको बदल देंगे छ में और जो ये स है इसको बदल देंगे छ में। जैसे कि उत धन श्वास, यहाँ पे देखिए आधा त है और यहाँ पे ये वाला स है, तो ये बदल जाएगा आधा छ और छ में। उसी तरह उत धन शिष्ट, तो ये बन जाएगा उच्छिष्ट में। सत धन शास्त्र, तो ये त है और त के बाद ये बड़ा स आ गया है, तो जो त रहता है ये आधा छ में बदल जाता है और जो स है ये छ में बदल जाता है, तो इस तरह सच्छाट हो जाता है। छठवां रूल ये कहता है कि जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। मतलब कि यदि त का मिलन ह से होगा, अगर पहले त रहेगा बाद में ह रहेगा, तो इस तरह इसको हम बदल देंगे द में और ह को बदल देंगे ध में, तो इस तरह ये हो जाता है। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, उद्धार, यहाँ पे क्या था, पहले त था बाद में ह है, तो त को हम बदलते हैं किसमें, आधा ध में। यहाँ हमने आपको बताया त को बदलते हैं आधा ध में पहले और उसके बाद से ध में, तो ये इसके उदाहरण है। तो बढ़ते हैं आगे, चूंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन इसमें यह है कि हमने पूरी अच्छी तरह से जो व्यंजन संधि है उसको कंप्लीट कर दिया है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सातवां इसका नियम ये कहता है कि यदि किसी भी स्वर के बाद, जैसे कि अ आ ई उ, अगर इसके बाद छ आ जाता है तो क्या करना है आपको, कि जब उसका रिजल्ट आप बनाएंगे तो इस छः से पहले आधा छ जोड़ देंगे। बस यही कहता है स्वर व्यंजन संधि का सातवां नियम। जैसे कि संधि धन छेद, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्वर आ गया है, तो इस स्वर के बाद जब छ आता है तो इस छ में आपसे पहले आपको क्या जोड़ देना है, च जोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पे स्वर आ गया है उ का मंत्रा, यहाँ पे छ आ गया है तो इससे पहले आपको क्या जोड़ देना है, आधा छ। जैसे अनुदन छेद बराबर है अनुच्छेद। तो यह थी व्यंजन संधि। अब देखेंगे विसर्ग संधि को। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विसर्ग संधि के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामों में। जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है वहाँ पर विसर्ग संधि के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के बाद, मतलब प्लस से पहले विसर्ग होना ही चाहिए। विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए तो जो वो संधि होती है वो विसर्ग संधि हम उसे कहेंगे। देखिए अंतर क्या है, स्वर में क्या था कि स्वर में स्वर के बाद स्वर ही आया था, व्यंजन में क्या था कि स्वर के साथ व्यंजन या फिर व्यंजन के साथ स्वर आया था। विसर्ग में क्या है कि पहले विसर्ग होगा। विसर्ग मतलब आप समझ रहे हैं जैसे मना है और या नहीं हो गया, इस तरह जो ये लग रहा है इसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देख पा रहे हैं, नी धन अक्षर निरक्षर, नी धन पाप निष्पाप। तो देखेंगे इसको अच्छी तरह से,
जैसे विसर्ग संधि में आप देखेंगे कि 10 नियम होते हैं और 10 नियम में आपको 2 से 3 नियम पढ़ने बहुत जरूरी हैं। और अगर आप नियम को छोड़ भी दें तो आपको इसके जो उदाहरण हम कराएंगे उनको अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि ये उदाहरण बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए होता क्या है कि विसर्ग के साथ अगर च या फिर छ का मिलन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आसानी के लिए, अगर शुरू में विसर्ग आ गया और विसर्ग के साथ च या फिर छ आता है, अगर ये दोनों आते हैं तो इनके जगह पे हो जाएगा आधा सौ। ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे निधन चय, तो यहाँ पहले विसर्ग हो गया उसके बाद चौ आया है, चौ आया है तो हमने आपको बताया कि विसर्ग के बाद चौ या फिर छ कोई भी आए तो हमेशा क्या बनेगा आधा छ, ये हो गया निश्चय। दुधन चरित्र, ये हो गया दुष्चरित्र, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद चौ आ गया है, तो जब विसर्ग के बाद चौ आ जाता है तो क्या बन जाता है आधा सौ, विसर्ग के बाद अगर छ भी आएगा तो आधा सौ बनेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसी तरह जो इसमें अगला नियम है ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद अ आता है, अ आता है या फिर बाद में अ अथवा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो क्या हो जाता है कि ओ हो जाता है, अगर अ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा। खास करके अगर किसी भी वर्ण का तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ण आए तब भी क्या हो जाता है ओ ही हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर किसी का तीसरा चौथा या फिर पांचवा वर्ण आएगा तो ओ हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, मना धन अनुकूल, तो यहाँ पे क्या है विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ गया है ओ आ गया है, तो विसर्ग के बाद जब ओ आएगा तो क्या बन जाएगा ओ, मनोनुकूल। यहाँ विसर्ग है मना, मना के बाद आ गया बल, आप देखेंगे कि प फ ब, ये जो ब है ये तीसरा नंबर का है, तो जब ये तीसरा आ जाता है या फिर चौथा आ जाता है या फिर पांचवा आ जाता है तो हो जाता है ओ। आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम में ये कहा जाता है कि अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद बड़ा स आता है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो आधा स पहले लगाएंगे उसके बाद बड़ा स वहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, वहाँ पे अगर विसर्ग के बाद ये बड़ा वाला स आएगा तो आपको एक आधा स और एक्स्ट्रा उसके साथ लगाना होता है। जैसे दुधन शासन, यहाँ पे हो जाएगा दुशासन। निधन शुल्क, तो ये बड़ा स आ गया तो निःशुल्क हो जाएगा। उसी तरह इसमें एक और नियम यह है कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए या फिर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए तो इसमें क्या होता है र हो जाता है, इसमें र हो जाता है। अगर कोई भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए तो र हो जाता है, जैसे कि यहाँ विसर्ग आप देखेंगे यहाँ पे मतलब तीसरा चौथा या पांचवा में से कोई आ गया है तो यहाँ पे क्या बन गया है र, उड़ंत र बन गया है। निधन आहार, तो यहाँ पे क्या बन गया है निराहार। तो यहाँ पे आपको रूल उतने नहीं सीखने हैं, रूल आपको सीखना ही नहीं है, केवल आपको उदाहरण याद रखना है कि जैसे पूछ देगा कि निराहार का संधि विच्छेद करिए, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे निराहार का संधि विच्छेद करिए तो ये होता है निधन आहार। तो अगर आप बात करें कि जो यूपी ट्रिपलसी एग्जाम कराता है वहाँ में रूल आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं, बस आपसे वहाँ पे उदाहरण ही पूछे जाएंगे। तो जो विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है इसमें क्या है कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आ जाए और उसके बाद अगर च छ या फिर स हो जाए, मतलब स्वर के बाद, तो इसका विसर्ग स हो जाएगा। यदि स्वर के बाद ट ड और स हो जाए तो यहाँ पे विसर्ग स बन जाएगा। जैसे उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा आपको, धनुधन टंकार, ये बन जाएगा धनुष टंकार। चतुर्धन टीका चतुष्टीका, चतुर्धन षष्टि चतुष्टि, निधन चल निश्चल, ये उदाहरण कई बार पूछा गया है। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको उदाहरण को अच्छी तरह से याद रखना होगा कि इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि विसर्ग में भले ही 10 नियम होते हैं लेकिन आपके लिए जो 3-4 नियम है वही महत्वपूर्ण है, बाकी का आप खुद देख सकते हैं जो उदाहरण है। जैसे दुष्धन कर दुष्कर हो जाता है, चतुर्धन पद चतुर्पद हो जाता है, निधन पल निष्फल हो जाता है, निष्काम का निधन काम होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं विसर्ग में, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे भाधन कर, ये हो जाता है भास्कर। ये विसर्ग संधि के उदाहरण है क्योंकि यहाँ पे ये किसी भी रूल का पालन नहीं करते हैं। और आप देखेंगे कि जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरस्कार का संधि विच्छेद बताइए, तो पुरस्कार का होता है पुराधन कार, नमाधन कार बराबर होता है नमस्कार, श्रेयधन कर बराबर होता है श्रेयकर, बृहधन पति बराबर होता है बृहस्पति, पुराधन कृत बराबर होता है पुरस्कृत, और तिराधन कार बराबर होता है तिरस्कार। तो विसर्ग में ये कुछ अपवाद भी हैं। तो इस तरह अब विसर्ग के बाद अब आपको हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और ये व्यंजन और विसर्ग दोनों से जुड़े हुए होंगे और आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए यहाँ पे, अगर किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है तो। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे आपको सज्जन का बताना है संधि विच्छेद, अब बताइए कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होता है सप्तधनजन, सप्तधनजन बराबर क्या होता है सज्जन, और ये कौन सी संधि है तो यह व्यंजन संधि है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। संगम का संधि विच्छेद बताइए, तो संगम का संधि विच्छेद रहता है समधनगम, समधनगम यह है संगम का संधि विच्छेद। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक धन ईस, और यह भी एक व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, ये भी होता है वाक धन ईस। परीक्षा में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमाण का संधि विच्छेद बताइए, तो ये होता है आपका प्रधन मान, देखिए आपको अगर पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। अगला एक निश्चल का संधि विच्छेद बताइए, तो यह एक विसर्ग संधि है और यहाँ पे आप देखेंगे विसर्ग कौन है तो केवल एक ही है निधन चल। इसके साथ बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, बहिष्कार का संधि विच्छेद चूंकि ये भी एक विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा बहिधन कार, बहिधन का जो नमस्कार या फिर ये वाला आप देख रहे थे अपवाद वाला उसी में से बहिष्कार भी होता है। अब जो शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए, तो ये होता है अपधन च और ये है व्यंजन संधि, ये आपसे उदाहरण ही वहां पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं, ये है सचिदानंद, सचिदानंद ये कई बार पूछा गया है,
तो इसका अगर आप देखेंगे तो इनमें से हो जाएगा सत्य धन चित्त धन आनंद, सच्चिदानंद ये होता है इसका सही उत्तर। अगला है वांग्मय, वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होता है वाक धन मय, ये भी एक व्यंजन संधि है। ये संज्ञा है जिसको कि अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं, और संज्ञा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के नाम को आप संज्ञा कर सकते हैं, यानी कि यदि किसी वस्तु का नाम है जैसे कि कुछ भी वस्तु या फिर कोई स्थान हो, दिल्ली इलाहाबाद कोलकाता कुछ भी, या फिर कोई भाव हो, इस तरह का जो भी नाम होगा उसको हम कहेंगे संज्ञा। अगर वस्तु की बात करें तो जैसे कि सोना काला ये सब, अगर वस्तु की बात करें तो श्याम हो गया, स्थान की बात करें तो दिल्ली हो गया, आम भी वस्तु में आ जाएगा, और अगर भाव में देखेंगे तो ये होता है मिठास खटास या फिर गोरापन, तो ये होता है भाव। यानी कि अगर आप एक लाइन में समझें तो किसी भी नाम को आप संज्ञा कर सकते हैं, चाहे वो वस्तु हो स्थान हो या फिर कोई भाव हो। उसके बाद से संज्ञा में देखिए पूछा जाता है संज्ञा के भेद, लेकिन संज्ञा के भेद दो या फिर तीन तरह से पूछे जाते हैं। जब भी आपसे संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तो वहां पे जरूर पूछा जाएगा कि किस आधार पे, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा केवल तीन प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। देखिए ये वैसे अगर आप एग्जाम में देखें तो व्युत्पत्ति वाला उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर पूछा गया है इसलिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आगे बढ़े तो देखिए संज्ञा को पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पे, तो ये होते हैं पांच, मतलब कि संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पे। पहला कौन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए तो तीन, अर्थ के आधार पर बताइए तो पांच। यहाँ पे अब हम देखेंगे एक एक संज्ञा को, जैसे कि पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं अगर इंग्लिश की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान का बोध कराए, मतलब कि किसी खास पर्सन का, चाहे वह स्थानीय क्यों ना हो, जैसे कि हम कहें कि हम दिल्ली जा रहे हैं, या फिर किसी खास का, जैसे कुर्सी है टेबल है श्याम है राम है दिल्ली मुंबई, तो मतलब किसी खास स्थान का या फिर व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का बोध कराए, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा में ये होता है कि हम एक शब्द कहते हैं और वो शब्द उसके पूरे जाति का बोध कराता है, जैसे कि लड़का, तो मतलब एक लड़का को हम कहें या फिर दुनिया के किसी भी लड़के को कहें उसको हम लड़का ही कहेंगे, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर उसका नाम ले लें तो ये एक जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं शहर, तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब आप शहर कहेंगे तो शहर का ये नहीं पता है कि कौन सा शहर, इलाहाबाद कोलकाता दिल्ली मुंबई कोई भी शहर होगी तो उसको हम शहर ही कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी शब्द से उसके पूरे जाति का बोध हो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जहाँ पर जैसे मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एक शहर है लेकिन वो मुंबई है, अब दिल्ली को आप मुंबई नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि लड़की, नदी, कोई भी नदी होगी चाहे वो दामोदर हो नर्मदा हो गंगा हो यमुना हो ब्रह्मपुत्रा, सबको हम नदी ही कहेंगे। तो यहाँ पे जिस शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध हो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह उदाहरण के लिए पर्वत भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, जिसको कि हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसे चीज़ों की बात की जाती है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो या फिर जिनका स्टोर किया जा सके, मतलब कि जिनकी काउंटिंग ना हो, कहने का मतलब कि जिनकी काउंटिंग ना हो, ये जैसे कि अगर हम दूध की बात कर लें या फिर सोना की बात कर लें तो सोना की काउंटिंग नहीं हो सकती है, वो अलग बात है कि इसका वेट किया जा सकता है, लेकिन काउंटिंग मतलब कि गिनना कितना सोना है, एक दो, तो एक सोना को हम एक दो में गिनते नहीं है, सोना चांदी या फिर ताबा, तो इस तरह का जो सभी है इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि गेहूं घी सोना, मतलब जिनको हम नंबरों में ना काउंट कर सके उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगला देखेंगे तो अगला है समूहवाचक संज्ञा, मतलब कि कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो मतलब ऐसा शब्द का प्रयोग होता है जो कि एक पूरे समूह का बोध कराता हो, जैसे कि क्लास कक्षा, तो कक्षा क्या होता है, ये पूरे छात्रों का एक समूह होता है। अगर हम इसी तरह बात करें आयोग, तो आयोग में क्या है, तो आयोग जरूरी है कि जब आयोग दे दिया गया तो इसमें जरूरी है कि एक से अधिक लोग होंगे, तीन हो सकते हैं पांच हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम आयोग को नहीं कर रहे हैं केवल आयोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक समूह का बोध करा रहा है। जैसे कह दिया गया सेना, तो सेना का मतलब क्या कि वहाँ पे कुछ सैनिक होंगे सेना में। पुलिस, पुलिस का मतलब कि पुलिस का जो उसमें सिपाही होते हैं उनका एक समूह। पुस्तकालय जो कि पुस्तकों का एक समूह। दल मतलब विभिन्न तरह के लोग। समिति मतलब कई लोगों की जो मीटिंग होती है वो समिति के द्वारा होती है। या फिर परिवार, तो एक परिवार में कई लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर ऐसा कोई भी शब्द जिससे कि एक पूरे उसके झुंड का पता चले इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं पांचवा की तरफ, जो कि यहाँ से आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह से, तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये होता है कि जैसे कि उसमें आपको भाव देखने को मिलेगा, जैसे कि किसी का गुण दोष दशा क्रोध मिठास हर्ष, तो इस तरह का ये मतलब कि वहाँ भाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे किसी अगर मिठाई की बात करें तो इसका मिठास है, कोई व्यक्ति बुढ़ापा की तरफ जा रहा है वो क्रोध कर रहा है, कहने का मतलब कि जो ये चीज़ है वो दिखेगी नहीं आपको, लेकिन उसका भाव केवल आपको महसूस करना होता है, जैसे कि बुढ़ापा मिठास क्रोध हर्ष मतलब कि खुशी यौवन बालपन और मोटापा, तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, और कई ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई संज्ञा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी आप देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको संज्ञा से भाववाचक बनाइए, मतलब कि एक नॉर्मल दिया गया है उसको कहेगा कि भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करिए।
वो किसी भी में हो सकती है, जैसे वो व्यक्तिवाचक हो सकती है, जातिवाचक हो सकती है, लेकिन आपको बदलना होगा उसको भाववाचक में। जैसे कि दे दिया पुरुष, तो पुरुष आप देखेंगे कि पुरुष क्या है, अगर आपसे हम पूछें कि पुरुष क्या है और आपको दो ऑप्शन दे दें, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक, तो पुरुष है जातिवाचक, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को पुरुष कह सकते हैं। तो अब देखिए इसको भाववाचक में बदलना है, तो पुरुष का हो जाता है पुरुषत्व, नारी का हो जाता है नारीत्व। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मित्र का, तो मित्र का भाववाचक होता है मित्रता, पशु का भाववाचक होता है पशुत्व। इसी तरह कुछ सर्वनाम से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हम आपको अगले वीडियो में सर्वनाम के बारे में बताएंगे, तो वहां से भी आपको भाववाचक संज्ञा में बदलने को कहा जाता है। जैसे निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन और मम का ममत्व। इसी तरह आगे कुछ और भी हम कवर कर रहे हैं जिनको कि विशेषण से भाववाचक में बदलने को कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि बताइए वीरता किस विशेषण से बना है, वीरता किस विशेषण से बना है, वीर सैनिक, लेकिन इसका सही उत्तर होगा वीर। तो इसी तरह आपको जानना होगा कि किसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है, सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता, मीठा का मिठास, मधुर का मधुरता। देखिए इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक्सरसाइज कराने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखेंगे कुछ अवयव को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए। तो अवयव ये होते हैं निकट, निकट को हम बदल देते हैं निकटता में, थकान को बदल देते हैं थकावट में, हंसी को हंसना में, लेख को लेखना में। तो इस तरह आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपसे जो संज्ञा है उसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे संज्ञा के परिचय के बारे में कि संज्ञा के बारे में क्या होता है। तो देखिए संज्ञा का, अगर कहीं पर भी आप संज्ञा का परिचय दे रहे हैं तो जरूरी है कि आप सभी को अलग अलग लिखें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हिंदी है और यहाँ पे थोड़ी सी आपका जो लिखने का तरीका है पूरा अर्थ बदल देता है। जैसे कि एक जगह है उदाहरण, एक जगह है ठीक, और यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि उदाहरण जाओ, उदाहरण जाओ, या फिर अगर आपको ये कहा कर दिया जाए उधर न जाओ, उधर न जाओ, तो आप देखेंगे कि वर्ड तो सारे सेम है लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है। तो इस तरह आपको संज्ञा में सभी को अलग अलग करके लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे वाक्य दिया गया है राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को बाण मारा इस तरह भी आप कर सकते थे, लेकिन जरूरी होता है कि आप इसे अलग अलग लिखें। अब इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाएगा परीक्षा में कि राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि रावण में कौन सा कारक है, रावण में कौन सा कारक है। तो देखिए होता क्या है कि जो व्यक्ति काम करता है, जैसे कि राम ने यहाँ पे मारा है तो राम हो जाता है कर्ता, जिस व्यक्ति पर काम हो रहा है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। तो यहाँ पे अगर हम राम को बात करें तो राम संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है, राम एक व्यक्ति है इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया, और राम एक पुल्लिंग है क्योंकि यह पुरुष है, और राम एक वचन है मतलब कि एक है, और राम ने काम किया यानी कि यह कर्ता कारक है। उसी तरह अगर रावण के बारे में बात करें तो रावण एक संज्ञा है क्योंकि यह भी किसी का नाम है, यह एक व्यक्ति है यानी कि व्यक्तिवाचक हो गया, यह भी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया, यह भी एक है तो यह भी एक वचन हो गया, और चूंकि इस पर काम हो रहा है इसीलिए यह कर्म कारक हो गया। अगर बात करें बाण की जिसके द्वारा मारा गया है, तो बाण भी नाम ही है तो ये भी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक होगा, एक ही है तो पुलिंग मतलब पुरुष है तो पुलिंग होगा, एक है तो एक वचन होगा, और करण कारक होगा। तो अभी हम जब आपको कारक बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कारक कितने होते हैं। यहाँ पर बस आप जानिए कि जिसके द्वारा काम होता है उसको हम करण कारक कहते हैं, मतलब कि इसको हम साधन के रूप में यूज करते हैं। तो ये रहा संज्ञा का चैप्टर जो कि बहुत आसान है और आप लोगों ने इसमें से सब कुछ पढ़ा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है। शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है और आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए, इसमें से संज्ञा कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर भाव हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा भूगोल, भूगोल जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है। अगला है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, हमने आपको बताया था व्युत्पत्ति और अर्थ, तो व्युत्पत्ति के आधार पर तीन तरह की और अर्थ के आधार पर कितना होती है, पाँच तरह की। अगला है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से बताइए कि कौन जातिवाचक है जो कि पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है, लेकिन नदी सही उत्तर होगा क्योंकि चाहे वो कोई भी नदी हो, गंगा यमुना किसी भी नदी को हम नदी ही कहेंगे, यानी कि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप देखेंगे मोहन को तो मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कसना, कसना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, इसका भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो सही उत्तर होता है कसावट, क्या होता है कसावट। देखिए कई बार क्या होता है कि इसका कोई रूल नहीं होता है कि मतलब इसको भाववाचक बनाना है तो आपको वट जोड़ देना है या फिर हट जोड़ देना है। आपको परीक्षा में ये देखना होता है कि जो भी हम भाववाचक संज्ञा आ रही है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जोड़ करके और बिना अर्थ का बना दिए तो ये गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी भी, या व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जैसे कि अगर राम हो गया तभी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मुंबई हो गई तभी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम हो गया तभी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब कि विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है ये आप कमेंट करके बताइए। तो सुंदरता में होता है भाववाचक संज्ञा, किसी के भाव को बताया जा रहा है तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो इसमें से है क्रोध, क्रोध है भाववाचक संज्ञा और ये एक तरह का संज्ञा है, इसको छोड़कर के कोई भी संज्ञा नहीं है, बाकी सब विशेषण बताए गए हैं। अगला है कि खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, इस वाक्य में हरियाली शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है। तो हरियाली शब्द में आप देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा है क्योंकि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो हरियाली है वो भाववाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन, और इसे आप कमेंट करके बताइए कि भीड़ में कौन सी संज्ञा है,
तो भीड़ में अगर आप देखा जाए तो भीड़ में एक समूहवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि अगर भीड़ की बात आती है तो एक व्यक्ति को या फिर दो व्यक्ति को आप भीड़ नहीं कर सकते, जहां लोगों का एक समूह होगा उसे ही आप भीड़ कहेंगे, तो भीड़ हो गया समूहवाचक। यहाँ पे देखिए बात करते हैं सर्वनाम की, तो सर्वनाम को अगर हम एक लाइन में कहें तो सर्वनाम वे होते हैं जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग करने का उदाहरण अगर हम आपको बता दें, यहाँ पे हम दे सकते हैं उदाहरण कि राम मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, राम कल आएगा। और यहाँ पे अगर राम ना लिख करके हम वह लिख देते हैं तब कैसा रहेगा, राम मेरा दोस्त है वह कल आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो वह शब्द प्रयोग किया है यह है सर्वनाम। तो यहाँ पे आपने देखा कि वह जो शब्द है यह एक सर्वनाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह शब्द जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग में किया जाए, यानी कि राम को हमने प्रयोग करना था लेकिन राम के बदले हमने वह कर दिया, यानी कि वह एक सर्वनाम है। उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी और वह, ये जो सारे शब्द हैं ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सर्वनाम के भेद के बारे में, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, 5, 6 या फिर 8। सही उत्तर होता है 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं क्योंकि परीक्षा में ये कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जो कि पहला सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब यह होता है कि यह जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या फिर सुनने वाला व्यक्ति होता है या फिर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि अगर मैं किसी से बोलता हूँ मैं यहाँ हूँ, एक व्यक्ति यहाँ है और बात हो रही है सी के लिए, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कहने का मतलब कि जिसमें कोई बोलने वाला हो या फिर सुनने वाला हो या फिर किसी के बारे में बात हो रही हो वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं, तू या फिर वह, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछा जाता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। आपने देखा कि सर्वनाम होता है 6 प्रकार का, लेकिन उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 प्रकार का। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इनका नाम याद रखिए, ये कई बार पूछे जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष के बारे में, तो उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोलता है वो अपने के लिए प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे कोई व्यक्ति दूसरा है, मैं बोल रहा हूँ, जो वक्ता है ये होगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कब होगा कि ये कोई भी शब्द जब अपने लिए प्रयोग करेगा, जैसे ये कहेगा कि मैंने तुमको कहा था, मैंने, तो इसने कौन सा शब्द प्रयोग किया, मैंने, या फिर कहेगा कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ तो कौन सा शब्द प्रयोग किया अपने लिए, तो मैं। तो ये जो शब्द ये प्रयोग करेगा, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा या फिर मुझको, ये सारे शब्द होते हैं उत्तम पुरुष। तो ये होता है उत्तम पुरुष। अगर आप आगे बढ़े मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जो शब्द वक्ता सामने वाले के लिए प्रयोग करता है, जैसे अगर ए बोल रहा है तो बी से कहेगा कि तुमने मेरा ये लिया, तो बी के लिए ये कौन सा शब्द प्रयोग किया, तुमने या फिर तुझको या फिर मैंने, आपको। तो ये जो शब्द होते हैं, मतलब जिससे बोला जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है, उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको और आपके। तो ये जो शब्द हैं ये होते हैं मध्यम पुरुष के। परीक्षा में आपसे इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष है, इनमें से कौन उत्तम पुरुष है। ऑप्शन होगा मुझे, तुझे, उसे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसमें से कौन उत्तम पुरुष है। सही उत्तर हो जाएगा मुझे, क्योंकि जो तुझे है ये मध्यम पुरुष होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष का मतलब ये होता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है जो शब्द अपने लिए प्रयोग करेगा उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे कि बोलने वाला अपने लिए क्या शब्द प्रयोग करता है, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, हमारा, तो ये शब्द होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है जब जो शब्द सामने वाले के लिए प्रयोग करें। अगला होता है जो तीसरा है, ये होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ये होता है कि जब तीसरे किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाए, जैसे कि ए बात कर रहा है बी से लेकिन बात हो रही है किसी और के बारे में, सी के बारे में, तो सी को क्या कहेगा। जैसे ए कहेगा कि मैंने तुमको उसके लिए, मैंने तुमको उसके लिए आम दिया, मैंने तुमको उसके लिए आम दिया। अगर यहाँ पे हम लिख दें मैंने तुमको उसके लिए आम दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ये खुद के लिए प्रयोग किया है तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, तुमको सामने वाले के लिए प्रयोग किया है यानी ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, और इसके साथ उसके लिए मतलब किसी और के लिए बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ये हो जाता है अन्य पुरुष। तो आपने तीनों को अलग अलग समझ लिया कि जो पहला होता है उत्तम पुरुष, उसमें क्या होता है कि वक्ता अपने लिए जिसका प्रयोग करे, मध्यम पुरुष मतलब कि वक्ता सामने वाले के लिए जिसका प्रयोग करे, और अन्य पुरुष जिसमें कि तीसरे किसी व्यक्ति के लिए बात हो, जैसे कि वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उनने, उसके या फिर इसने। आपको देखिए ये सारे शब्द समझना होगा क्योंकि सबको याद करने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको परीक्षा में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष है या फिर कौन अन्य पुरुष नहीं है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति बोल रहा है अपने लिए इसमें से किस शब्द का प्रयोग किया है, आप बताइए खुद ही कमेंट करके कि इसमें से जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये मुझे, जब ये मुझे प्रयोग किया है तो मुझे हो जाएगा उत्तम पुरुष, और
तुम पढ़ रही हो, किससे बोल रहा है? तो तुम से बोल रहा है, तो तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। देखिए हमने मध्यम पुरुष में बताया था कि तुम होता है, उसके बाद उसने, तो किसी और के बारे में बात हो रही है तीसरे के बारे में, तो जो तीसरे के बारे में बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो इसे आपको समझना होगा। अगर आप इसको लाइन बाई लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐप मिल जाएगा हमारा, वहां पर आप जाकर पढ़ पाते हैं। अगला है जो कि दूसरा सर्वनाम था, पहला हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक भी कहते हैं, और संकेतवाचक इसलिए क्योंकि यह दूर अथवा निकट की वस्तु को संकेत करके बताया जाता है। तो इसमें क्या है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु दूर है या फिर निकट है, किसी भी वस्तु को संकेत करके बताया जा रहा है वहां पर निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अगर आप देखेंगे पास में कोई पुस्तक है तो यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे जो यह लगा है यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह माधव की गाय है, मतलब कोई गाय है थोड़ी दूर पे खड़ी है तो वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है यह क्या है? निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे यह, वह और वह, ये तीनों एक सर्वनाम के तौर पे प्रयोग किए गए हैं और तीनों संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस जान लेना चाहिए निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में। देखिए यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। और यहाँ पे एक अगला उदाहरण है, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए राम का प्रयोग यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुरुषवाचक में ये होगा अन्य के लिए। जैसे हम अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है, हम किसी से बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक और यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, ये हो जाएगा निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक, क्योंकि हम संकेत करके किसी को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला और तीसरा है अनिश्चयवाचक। अभी आपने देखा वो निश्चयवाचक था, उसमें कन्फर्म था कि वह राम की गाय है, राम की गाड़ी है, लेकिन जो तीसरा है यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि किसी भी स्थिति का निश्चित बोध नहीं होता है, वहाँ पे अनिश्चितता रहती है। जैसे कि कोई आ रहा है, पता नहीं है कौन आ रहा है लेकिन कोई आ रहा है। तो यहाँ पे जो अनिश्चय वाले शब्द है, जहाँ पे कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है, उस तरह में जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, वहाँ कोई रहता है तो पता नहीं कौन रहता है लेकिन कोई रहता है। तो जब जब कोई अनिश्चितता का बोध हो, मतलब कंफर्म पता ना चले, तो वहाँ पे जो शब्द होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें क्या है, तो जो कोई शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है लेकिन कोई खड़ा है, तो जो कोई शब्द क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यहाँ पे ये होता है कि दरवाजे पे राम खड़ा है या फिर दरवाजे पे वह खड़ा है, तो वह का मतलब कि हम जिसको बता रहे हैं उसको पता है कि कौन खड़ा है। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं कि दरवाजे पे कोई खड़ा है तो किसी को नहीं पता, ना तो बोलने वाले को पता है ना तो सुनने वाले को पता है कि कौन खड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण, स्वाद में कुछ कमी है। हम किसी को कह रहे हैं फोन करके कि स्वाद में कुछ कमी है। अब क्या कमी है? नमक कम है या फिर मसाला कम है, क्या कम है कुछ पता नहीं। तो जहां पे निश्चित चीज का बोध ना हो वहां पे होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको इन शब्दों को याद रखना होगा, जैसे कि कोई है या फिर कुछ, क्योंकि परीक्षा में यही पूछे जाएंगे आपसे, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहां पर कोई निश्चय ना हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक, और इस तरह के लिए जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा के लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि अभी हम आपसे एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन है कि संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब कि अगला जो है चौथा नंबर जो हम सर्वनाम कवर कर रहे हैं, ये चौथा नंबर है संबंधवाचक। पहला हमने पुरुषवाचक देखा, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये होता है कि ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये किसी न किसी से संबंध बताते हैं। किसी न किसी से जब संबंध बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो उस अगर हम यहाँ पे केवल कहें कि फल उसी को मिलेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वाक्य है ये अधूरा है। तो यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए आपको लिखना होगा जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये किसी न किसी का संबंध बता रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी है ये क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी है ये भी एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा और वैसा ये दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे लिखा गया जो, उसे, जिसकी, जैसा, वैसा, ये शब्द कभी भी प्रयोग होंगे तो इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम देखते हैं, यह है पांचवा और ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है, पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन शब्दों से ऐसा लगे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उन शब्दों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें जो क्या है यहीं से पूछना का मतलब समझ में आ रहा है, तो जो क्या शब्द है ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जब कौन खड़ा है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह काम कैसे हुआ, मतलब कि जहाँ पर कोई चीज़ पूछा जाएगा उन शब्दों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या, कौन और कैसे, जिनका प्रयोग यहाँ पे हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यह है अंतिम सर्वनाम और ये होता है निजवाचक सर्वनाम। तो आपने अभी तक देखा कि सर्वनाम छह तरह के होते हैं और हम छठवां देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो हमने तीनों पुरुष को देखा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनकी निजत्व का बोध कराता है। निजत्व मतलब कि इनसे संबंध। जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैं अपना काम किया तो ये हमसे संबंधित है, तुमने तुम्हारा काम किया तो ये उससे संबंधित है। तो इस तरह निजत्व माने अपनत्व, अपना,
निजत्व मतलब होता है अपना, तो यानी अपना जो इस तरह का बोध कराए इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि अपना, अपनी, आप, तो इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने अपना काम स्वयं किया, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, तो ये जो अपना है या फिर अपने हैं इन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम। अब थोड़ा सा इनको हम जो इसमें याद करने वाले पॉइंट है उनको आपको रिविजन करा देते हैं। अभी तक आपने देखा सर्वनाम, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, उस, ये सब। और उसके बाद इसमें जो सर्वनाम होता है छह प्रकार का होता है, जिसमें से जो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तीन प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोलने वाला होता है खुद के लिए प्रयोग करे, खुद के लिए। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, जिससे बोल रहा है सामने वाले के लिए। और तीसरे किसी व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा वह, यह। तो इस तरह के शब्दों को हम अन्य पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक में क्या होता है, निकटवर्ती के लिए। जैसे कि निश्चयवाचक दो तरह का आप देख सकते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो निकटवर्ती में जो नजदीक में हो, यह यहाँ, दूर मतलब कि दूरवर्ती मतलब कि दूर में हो, वह वहाँ। इसके साथ हमने अनिश्चयवाचक देखा, इसमें क्या था, कोई, कुछ। संबंधवाचक देखा, जो, सो, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक है। और अंतिम था पांचवा प्रश्नवाचक, जिसमें कि प्रश्न पूछा जा रहा था कौन क्या। और छठवां था निजवाचक, जिसमें कि रिलेशन बताया गया, जैसे कि अपना, अपने, तुम्हारा। तो ये हो गया पूरा सर्वनाम। अब देखेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था। तो आप यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न आएंगे, आप खुद भी हल करिए, और आप चाहते हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे हर क्वेश्चन के लास्ट में। और वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बेहद आसान और अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर है 6। कभी कभी आपसे नाम पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर बार बस यही पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो अगला उदाहरण है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। यहाँ पे जो उसकी है, आप बताइए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी लोग ऑफलाइन भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होगा अन्य पुरुष, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। उसकी गाय मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है, किसी से बोल रहा है, लेकिन कह रहा है उसकी, मतलब किसी तीसरे की। तो जो तीसरे की बात आ जाती है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष वाचक। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में से आपको बताना हो तो इनमें से आप देखेंगे उसका भाई, तीसरे किसी का भाई। तो जब तीसरे किसी के बारे में बात होती है तो ये होता है अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। लेकिन यहाँ पे अन्य तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मुझे अपने गांव जाना है। अगर यहाँ पे देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि मुझे में सर्वनाम बताइए कौन सा सर्वनाम है, तो मुझे में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और अगर यहाँ पे मुझे के बजाय अपने में पूछ लेता कि यहाँ अपने में कौन सा सर्वनाम है, तो अपने में निजत्व हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था जो सर्वनाम का अंतिम था छठवां भाग, जो कि निजत्व था, इसमें अपना, अपने आ रहा था। तो अगर अपने में पूछे तो निजवाचक, मुझे में पूछे तो पुरुषवाचक। देखिए होगा क्या कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको एक शब्द अंडरलाइन करके देगा, वहां पूछेगा कि इस अंडरलाइन शब्द में कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो अगला उदाहरण है वह गाय चराने जाएगा, वह गाय चराने जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि वह हमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो इसमें से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। कोई आ रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, कोई आ रहा है, इसमें अगर कोई में पूछा जाए तो कौन सा होगा, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कौन आ रहा है, बस कोई आ रहा है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, कोई तुमको बुला रहा है। तो ये जहां पर भी कोई शब्द आ जाए यह निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। अगला है तुम, तू, तुम्हारा, इनमें कौन सर्वनाम है, इनमें कौन सा सर्वनाम है। अगर तू है, तुम है और तुम्हारा है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में कौन है, मध्यम पुरुष। चाहे तुम हो, हम हो, ये सब पुरुषवाचक में होगा, लेकिन अगर पुरुषवाचक में पूछे कि कौन है, तो तुम वाला जो होता है मध्यम पुरुष में आता है, हम वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष में आता है, और वह वाला जो होता है वो अन्य पुरुष में आता है। क्रिया जिसको कि इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, वर्ब। तो क्रिया के बारे में आप जानते ही होंगे, ऐसा शब्द या फिर ऐसा एक शब्दों का समूह जिससे कि ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे कि सीता नाच रही है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। सीता से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन नाच रही है मतलब कि कुछ काम हो रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ क्रिया का बोध हो रहा है, तो पी रहा सही इसमें क्रिया होगा। अगला है सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो इसमें जा रहा है एक ऐसा शब्द समूह है जिससे कि पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो क्रिया मतलब वही है कि जिससे पता चले कि कोई भी काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहेंगे। देखिए क्रिया के लिए एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्द समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, ये शब्दों का जो समूह है ये कार्य को बता रहा है और इसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया के बारे में पूछा क्या जाता है, तो पूछा जाता है कि मतलब क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो उन सभी को हम आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए व्याकरण में जो क्रिया है यह एक विकारी शब्द होता है। विकारी के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो क्रिया होती है एक धातु का मूल रूप होती है, जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जैसे कोई भी क्रिया है, जैसे जा रहा है, जा रहा है, राम जा रहा है, तो इसका मूल रूप आप देखेंगे तो है जाना।
वह खा रहा है, तो इसका मूल रूप आप देखेंगे तो है क्या, खाना, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु। और इसी धातु के अंत में ना लगा करके हम विभिन्न तरह की क्रियाओं को बनाते हैं। अगर आपको बताएं धातु के भेद के बारे में, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो धातु के दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु वो होती है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है, जैसे कि जाने को जा, खाने को खा, पीने को पी, रहने को रह, ये क्या है कि किसी पर निर्भर नहीं होती है। जो धातु का पहला भेद है मूल धातु, ये पूरी तरह स्वतंत्र होता है, यह किसी पर निर्भर नहीं होता है, जैसे कि जा, खा, पी, रह, और इसमें अगर आप ना जोड़ दें तो ये यौगिक धातु हो जाएगी। तो अगला है यौगिक धातु, और यौगिक धातु में क्या होता है कि जो भी मूल धातु होता है उसमें कुछ न कुछ लगा करके उसे बनाया जाता है। जैसे आपने देखा था उठना का क्या था, उठ था, इसका मूल धातु क्या था, उठ, अब इसमें हम जोड़ दिए ना, यानी कि क्या हो गया, उठना। उसी तरह खाना का खा, और इसके बाद हम जोड़ दिए ना, तो ये जो बाद में जोड़ रहे हैं इसे हम कहीं कहीं प्रत्यय भी बोलते हैं, तो प्रत्यय लगाकर या फिर कोई संबंध वाला लगा करके जो भी ये लगाने के बाद बने उसे हम कहते हैं यौगिक धातु। तो यहाँ पे आपने देखा धातु दो प्रकार के, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन यौगिक धातु जोड़ करके बनाई जाती है, जैसे कि उठाना, उठ का उठवाना, दिल से दिलाना, दिल से दिलवाना, कर से कराना या फिर करवाना। देखिए यहाँ पे आना जोड़ा गया है और यहाँ पे वाना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे अगर आप मूल धातु देखेंगे तो केवल कर था मूल, लेकिन इसमें अगर आना जोड़ दिया गया तो यह यौगिक धातु हो गई, और इसमें कराना बन गया, वाना जोड़ दिया गया तो करवाना बन गया। उसी तरह रोना, धोना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना इत्यादि, इसी तरह बतियाना, गरमाना, चिकनाना, तो इस तरह ये शब्द हैं यौगिक धातु के उदाहरण। अब जो यौगिक धातुएं होती हैं ये भी तीन प्रकार की होती हैं, और इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यौगिक धातु कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है तीन तरह की, जिसमें से पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया, और तीसरा है नाम धातु क्रिया। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, तो देखिए जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक और सकर्मक दो तरह की क्रियाओं से मिलकर बनती हैं। अकर्मक और सकर्मक क्या होता है इसी वीडियो में आगे हम आपको अच्छे से बताएंगे। अकर्मक मतलब कि बिना कर्म के, और सकर्मक मतलब कि कर्म के साथ, तो इसको हम अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, तो ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अगर आप देखेंगे कि प्रथम, अगर इस प्रेरणार्थक को दो भागों में बांट दें, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो प्रथम प्रेरणार्थक में हम लाना जोड़ते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक में हम क्या जोड़ते हैं, वाना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हमने आपको बताया है कर है और इसमें हमने आना जोड़ा है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, और इसमें अगर वाना जोड़ दिया तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है, मूल धातु है उठ और इसमें ना जोड़ दिया गया तो हो गया उठवाना या फिर उठवाना, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो जाता है। उसी तरह देना से दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, सोना, सुलाना, और खाना, खिलाना, खिलवाना। अब देखते हैं यौगिक क्रिया के बारे में, अभी आप देख रहे थे मूल क्रिया, अब धातु क्रिया, उसके बाद हम देखेंगे यौगिक क्रिया के बारे में। तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, दो या दो से धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे रोना, धोना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना। तो जहां दो या दो से संयोग से बने और दोनों धातु हो तो इन्हें हम कहते हैं यौगिक क्रिया। तीसरा क्या था, तो तीसरा था नाम धातु। तो नाम धातु में क्या होता है कि यह संज्ञा या फिर विशेषण से बनता है, जैसे गरियाना, लतियाना, चिकनाना, बतियाना मतलब बात करना, ठंडाना मतलब ठंडा करना, गरमाना, तो ये जो इस तरह होता है जो कि संज्ञा या फिर विशेषण से बने इन्हें हम कहते हैं नाम धातु। देखिए आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप देख लीजिए इनके उदाहरणों को, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं, दे दिया जाएगा कि गरमाना या फिर बतियाना क्या है। अब देखते हैं क्रिया के भेद के बारे में, तो अगर आप देखेंगे क्रिया के कर्म के अनुसार भेद या फिर रचना के अनुसार, तो रचना के अनुसार अगर क्रिया का भेद पूछा जाए तो यह दो प्रकार का होता है। रचना के अनुसार अगर पूछा जाए तब, तो रचना के अनुसार जो दो प्रकार का होता है, पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो देखिए अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्रिया जिनका असर केवल कर्ता पे पड़ता है, मतलब कि वहाँ पूरा वाक्य पूरा हो जाएगा, जैसे कि राकेश रोता है तो आप देखेंगे कि ये वाक्य कहीं ना कहीं पूरी तरह कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राकेश रोता है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाक्य अपूर्ण है। तो इसमें जो रोने वाला जो काम है पूरी तरह राकेश पे डिपेंडेड है, तो यहाँ पे जो क्रिया होती है इसका असर केवल और केवल कर्ता पे पड़ता है और यहाँ पे कर्म नहीं होता है। इस तरह की क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कि रोना, रेंगना, चलना, तो यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। दो चीज़ों से आपको पता चलेगा एग्जाम में, पहला कि इनका असर केवल और केवल कर्ता पे पड़े और वहाँ पे कोई कर्म ना हो तो इन्हें हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। जो दूसरा होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो इसमें क्रिया होती है इसका असर कर्ता पे नहीं कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे नहीं कर्म पे पड़ता है। जैसे मैं लिखता हूँ तो पूछा जा सकता है क्या लिखते हो, तो मैं क्या लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ। सुरेश खाता है, क्या खाता है, तो मिठाई खाता है, यानी कि खाने का असर किस पे है, मिठाई पे है। मीरा लाती है, क्या लाती है, तो फल लाती है। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होगा कि जहां पर एक तो कर्म है और इसके साथ जो क्रिया है उसका असर कर्म पे पड़ रहा है तो इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे लिखना, खाना, लाना, रस पीना, ये सब सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद के बारे में, जैसे कि सहायक क्रिया भी होती है। सहायक क्रिया का मतलब ये होता है जो कि उसको पूरा करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें देखिए यहाँ देखा जाए तो जाता एक क्रिया है लेकिन इसमें हूँ को लगाया गया है केवल इस वाक्य को पूरा करने के लिए, तो इसमें जो हूँ शब्द है यह एक सहायक क्रिया है। इसी तरह क्या होता है, वह हंस रहे हैं, तो हंसना यहाँ पे आप देखेंगे क्रिया है लेकिन जो रहे हैं शब्द जोड़ा गया है यह एक सहायक क्रिया है।
आगे बढ़ते हैं तो होता है पूर्णकालीन क्रिया। तो पूर्णकालीन क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता एक काम को समाप्त करके और दूसरा काम शुरू कर देता है तो जो पहला क्रिया होती है उसको हम पूर्णकालीन कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, राम भोजन करके सो गया, पहले ये काम किया बाद में ये काम किया, तो जो पहला है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णकालीन क्रिया। मतलब क्या किया, तो भोजन करना इसका पूर्णकालीन क्रिया है। उसी तरह होता है आगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दो कर्म हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे दो कर्म वाले को हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे अध्यापक तो हो गया कर्ता, इसके बाद से पढ़ाना हो गया क्या, क्रिया, लेकिन यहाँ पे छात्र हैं और ये हिंदी है, यानी कि दो यहाँ पे कर्म है, तो दो कर्मों के साथ जो क्रिया लगेगी उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पे छात्र और हिंदी द्विकर्मक है। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, तो श्याम ने मारा तो ये कर्ता हो गया, करने वाला है, मार दिया मतलब ये क्रिया हो गई, और ये पहला कर्म हो गया, ये दूसरा कर्म हो गया। तो राम और थप्पड़ दोनों कर्म है, और इन दोनों के साथ जो क्रिया लगी है उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। अब देखते हैं अगला नामबोधक क्रिया के बारे में। तो नामबोधक क्रिया में क्या होता है कि संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम, तो ये है लाठी, और क्रिया मारना। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके कोई क्रिया बनती है, जैसे कि लाठी मारना, आप देखेंगे सर्प को लाठी मारो, सर्प को लाठी मारो, तो जो लाठी और मारना है दोनों एक साथ आ रहा है, लाठी और मारना। तो लाठी क्या है, तो लाठी एक संज्ञा है, क्रिया एक जो मारना है वो क्रिया है। तो इस तरह जहां पर संज्ञा के साथ जुड़ करके फिर से क्रिया बना लेगा उसे हम कहेंगे नामबोधक क्रिया। इसी तरह दुखी होना, दुखी होना, दोनों जुड़ करके हो गया, राम दुखी होता है, तो ये जो जुड़ के बना इसे हम कहते हैं नामबोधक क्रिया। अब देख लेते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया का मतलब कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जुड़ के वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, तो आप देखेंगे कि दो या फिर दे दो या फिर दो जो है ये भी एक तरह से क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, तो दो क्रिया एक साथ लग रही है तो इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। करना या फिर उड़ना, दोनों अलग अलग क्रिया है और दोनों एक साथ मिलकर के चिड़िया उड़ा करती है, तो इस तरह की क्रिया को हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। मैंने किताब पढ़ ली, दोनों अलग अलग क्रिया है लेकिन एक साथ जुड़ी है, तो इन्हें हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। तो इस तरह के जो आते हैं जहाँ पे दो क्रियाएं हो और एक ही साथ जुड़ जाए उनको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो बस क्रिया के लिए यही देखा जाए तो हिंदी ग्रामर में कोई खास चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए एग्जांपल कराने वाले हैं, उससे ये पता चलेगा कि आप क्रिया को कितना जानते हैं। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन ये है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। कमेंट करके बताइए कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन भी मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, तो आप चाहें तो 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। सही उत्तर होगा तैरना, वह तैरता है। अगर हम कह दें कि वह तैरता है तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछने की जरूरत है कि क्या तैरता है, क्या पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो यह एक अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि वह बनाता है, चाहे वह बनाता है या फिर बनाने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पूछने वाली बात होगी क्या बनाने जा रहा है, तो इस तरह जब कर्म आ जाएगा तो ये सकर्मक हो जाएगा, धोना भी सकर्मक होगा और लेना भी सकर्मक होगा, यानी कि तैरना ही अकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में है, निम्न में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें जो क्रिया है वो सकर्मक के रूप में है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए, तो आप देखिए कौन सी क्रिया है जिसके साथ क्या लग जा रहा है आसानी से। वह आया अगर है तब भी कंप्लीट है, मछली तैरती है तो यहाँ क्या लगाने की जरूरत ही नहीं है, वह खाता है, क्या खाता है, तो खाना, यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा, इसी में सकर्मक क्रिया है। अगला है कि उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, उसने रामू की पिटाई कर दी। तो आप देखेंगे तो पीटना एक क्रिया है और करना भी एक क्रिया है, तो जहां दो क्रिया एक साथ मिलकर के आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। अगला है घोड़ा हिनहिनाता है, इनमें कौन सा क्रिया है, घोड़ा हिनहिनाता है, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ये होगा नाम धातु। नाम धातु में क्या होता है कि दो संज्ञा और विशेषण या फिर संज्ञा और क्रिया को जोड़ करके एक ही क्रिया बनती थी। अगला है कि द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है, द्विकर्मक क्रिया में अगर दो कर्म है तो उसमें से प्रधान कर्म कौन होता है, तो जो उसमें से पदार्थवाचक होगा उसको हम कहते हैं कर्म प्रधान, मतलब कि वो हेड होता है दोनों कर्मों में। अगला है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया कौन है, मतलब क्रिया कैसी है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इस वाक्य में जो उड़ रही है ये कैसी क्रिया है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है, तो सही उत्तर होगा अकर्मक है, क्योंकि इसको कहा जा सकता है चिड़िया उड़ रही है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है चिड़िया कहाँ उड़ रही है, क्योंकि चिड़िया आकाश में ही उड़ती है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर कैसी क्रिया है, सोकर उठा हूँ, मतलब पहला काम सोकर उठा हूँ, तो इस तरह जो भी आता है इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पहले एक काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरी क्रिया को करना। अगला है प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, तो इसमें आप देखेंगे जो प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया होती है ये प्रथम होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है प्रत्यक्ष वाली। अगला है अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, अगर इसमें देखा जाए तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से आप देखेंगे कि पढ़ना, खाना, देखना, और इसके लिए सही उत्तर होगा रोना, रोना एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जैसे कि वह रोता है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब क्या रोता है, रोता है, अगर कहा जाए पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, खाता है क्या खाता है, देखता है क्या देखता है, लेकिन रोना के साथ क्या नहीं लग सकता, तो इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अगला है कि निम्न में से बताइए कि किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे एक देखेंगे चार मतलब कि वाक्य दिए गए हैं और सही उत्तर है सिपाही चोर को
पकड़ता है। तो देखिए विशेषण और विशिष्य दो शब्द होता है, आपको एक उदाहरण से समझा दें। तो यहाँ पे देखिए गीता सुंदर है, गीता सुंदर है, तो इसमें जो सुंदर है आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि किसी की विशेषता बता रहा है, तो जो शब्द किसी की विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे देखेंगे तो गीता की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर, यानी कि सुंदर हो गया विशेषण। और जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है, तो गीता की, तो गीता क्या हो गई विशेष। यानी कि कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम ऐसा शब्द जिसका जो विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे विशेषण, लेकिन जिसका विशेषता बताया जाएगा उसे हम कहेंगे विशेष्य। यहाँ पे जैसे अगर आपको एक और उदाहरण दे, आम काला है, तो इसमें ये हो जाएगा विशेषण क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, और ये हो जाएगा विशेष। तो विशेषण और विशेष जहां पर भी विशेषण आएगा वहां पर विशेष जरूर होगा। कई बार क्या होता है कि जो विशेषण होते हैं विशेष से पहले आते हैं और कई बार बाद में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ, तो इसमें से विशेषण क्या है, तो विशेषण है थोड़ा सा, ये क्या है विशेषण है, और किसका, तो जल का, तो ये जल विशेष हो गया। यह लंबा रास्ता, यह रास्ता लंबा है, तो इसमें लंबा क्या हो गया, तो ये हो गया विशेषण। यानी कि जो चीज भी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेषण, जिसकी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेष्य। तो कोई जरूरी नहीं है कि विशेषण पहले होगा या फिर विशेष्य बाद में होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन और कभी कभी ये अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज इसमें से पूछी जाती है, ये पूछा जाता है विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताता है, संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या बताता है, परिमाणवाचक विशेषण, जो परिमाण बताते हैं, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। यानी कि विशेषण होते हैं चार प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। देखिए जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, गुणवाचक विशेषण यानी कि गुण बताएंगे। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो जहां पर उनके गुण को बताया जाएगा, गुण मतलब कि सुंदर, स्वच्छ, गंदा, स्वस्थ, जहां पर गुण बताया जाएगा जिन शब्दों के द्वारा, जिन विशेषणों के द्वारा, उन विशेषणों को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो इस वाक्यों में अगर आप देखेंगे चारों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ, ये गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो ये तो हो गया गुणवाचक विशेषण, लेकिन कभी कभी एग्जाम में थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुणवाचक विशेषण के तहत ये क्या है। जैसे कि कुछ समय संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि यह नया गाड़ी है, यह बंगला पुराना है, यह ताजा खाना है, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, तो बस आप ये जानिए कि ये समय संबंधी विशेषण है जो कि समय को बताते हैं। उसी तरह कुछ स्थान संबंधी विशेषण भी आते हैं, जैसे कि लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी इत्यादि। कुछ आकार संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर। दशा संबंधी भी विशेषण होते हैं, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू। कुछ वर्ण संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, कला, मतलब कोई भी कलर। कुछ गुण संबंधी विशेषण, जैसे जो आपका गुण हो, भला, बुरा और उचित, और इसके अलावा आप देखेंगे कि अनुचित, पाप, झूठ आदि। इसके साथ कुछ संज्ञा संबंधी विशेषण होते हैं, मुंबईया, बनारसी, लखनऊ इत्यादि। तो इस तरह कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है, आप इस वीडियो को रोक करके इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखते हैं जो अगला विशेषण था, पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण को, तो गुणवाचक विशेषण में गुण बताया जा रहा था और संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताई जाती है, जैसे 1, 2, 10, 20, 50, 100। तो जहां पर संख्या बताई जाए वहां पे जो भी विशेषण होगा उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो बस परिभाषा वही लिखा गया है कि जिस विशेषण के द्वारा संख्या का बोध कराया जाए, संख्या को बताया जाए, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये है 40। अब 40 क्या बता देखा जाए, तो 40 एक नंबर है, नंबर है यानी कि संख्या है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, प्रेम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ दोनों मतलब नंबर बताया गया है। तो जहां पर ऐसे शब्द आएंगे जो कि नंबर बताएंगे उन्हें हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में थोड़ा डीप। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये भी दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है जहां पे संख्या निश्चित होगी यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है जहां पे संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। यहां पे देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें क्या होता है, जैसे वहां पे कंफर्म पता होगा आपको कि कितना, 1, 2, 5, 20, 25 जो भी होगा कंफर्म होगा। लेकिन जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वहां पे ये संख्या बस पता चलता है कि संख्या है, ये नहीं पता चलता कि कितना है। जैसे वहां कह दिया जाएगा कि वहां कई लोग हैं, वहां कई लोग हैं, यहां पे अगर हम लिख दें वहां कई लोग हैं, तो इसमें कौन विशेषण है, तो इसमें विशेषण है कई। तो कई मतलब कि एक संख्या बताने की कोशिश की गई है, लेकिन कितने यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये वीडियो देखिए उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि इस तरह हिंदी ग्रामर का लगभग हर एक चैप्टर, जैसे कि समास, संधि या फिर जो भी चैप्टर है, सभी कवर किया जा चुका है, और आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में अनेक, सब, बहुत, मतलब जहाँ पे संख्या का पता ना हो अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या का पता हो निश्चित संख्यावाचक होता है। अब देख लेते हैं जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 6 भेद होते हैं।
तो पहला होता है पूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे निश्चित में जहाँ पे संख्या बिल्कुल पता थी, 1, 2, 10, 20, 50, तो इस निश्चित संख्यावाचक में भी 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें क्या होता है कि एक पूर्ण अंक होता है। जैसे पूर्णांक मतलब क्या, जैसे कि 1, 2, 3, ये पूर्ण अंक है। जैसे कि यहाँ पे 1 है 10, 100, 1000, 1,00,000। उदाहरण के लिए एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दीजिए, मतलब जो भी होगा ये एक पूर्ण अंक होगा। 2 मित्र आएंगे, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ, यानी कि 4। तो यहाँ पे जो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है, इसमें क्या होता है कि एक पूर्णांक होता है। इसके अलावा अगर आप इसमें से दूसरा देखें, उसमें क्या होता है, अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। तो आप ध्यान रखिए, ये हम निश्चित संख्यावाचक का पार्ट देख रहे हैं, जिसमें से पहला था पूर्णांक बोधक, दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है कि कोई भी एक पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब कि पूर्ण, और अपूर्णांक मतलब अपूर्ण। तो पूर्ण में क्या हो जाएगा, 1, 2, 10। अगर अपूर्ण अगर आप देखेंगे तो 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 4/3, 2/5, तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण। तो यहाँ पे देखिए, 1/4, 1.5, 2.5, ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण है। उदाहरण के लिए मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, 2.5 क्या हो गया, 2 सही 1/2, तो ये अपूर्णांक है, यानी कि अपूर्णांक बोधक विशेषण है। मतलब पूर्ण अंक ना हो, सीधा सीधा अगर आप मैथ में ना जाइए, यहाँ पे हिंदी में समझिए कि जहाँ पे एक पूर्ण अंक ना हो। पूर्ण अंक का मतलब कि कोई भी नंबर, 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100। यहाँ पे पापा ने मुझे 125 रुपए दिए, 125 यानी कि 125, यानी कि यहाँ पे अगर 125 आपसे कहा जाए तो आप इस तरह कहेंगे 1 सही 1/4। दुधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। तो इस तरह जहाँ पर भी एक पूर्ण अंक का प्रयोग ना किया गया हो, वो हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए हिंदी है, और इसको अगर आप मैथ में ले जाएंगे तो वहाँ पे आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। अगला है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक में क्या होता है, जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां। जैसे कि उस 5वें लड़के को बुलाओ, पहला लड़का यहाँ पे आए, राम पहला था, दूसरा था, श्याम तीसरा था। तो इस तरह ये जो नंबर होते हैं, ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें से है क्रमवाचक, क्योंकि ये क्रम बताते हैं। जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां। जैसे कि उदाहरण है, पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, या फिर श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो क्रमवाचक विशेषण में मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्रम बताया जाता है। चौथा है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्ति मतलब कि रिपीट, आवृत्ति मतलब कि रिपीट, मतलब कि दोहराना, यानी कि किसी काउंट मतलब गुना की बात की जाएगी हमेशा। जब किसी संख्या की 2 गुना, 4 गुना, इस तरह के शब्द आएंगे, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, इस तरह शब्द आएगा आवृत्तिवाचक विशेषण में। इसमें क्या होगा कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, मतलब 4 गुना, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, मतलब कि 2 गुना। तो ये होता है आवृत्तिवाचक विशेषण, ये चौथा था। और पांचवा देखेंगे, ये है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में क्या होता है कि एक समूह का बोध होता है। नंबर तो है ही, एक निश्चित नंबर होता है, लेकिन इसमें एक समूह का बोध होता है। जैसे कि तीनों, उन तीनों को बुलाओ, या फिर उन पांचों को भेज दो, उन आठों को हटा दो। तो इस तरह जो तीनों, पांचों, आठों ये शब्द हैं, ये एक समूह का बोध कराते हैं, और इन्हें कहेंगे हम समूहवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यहाँ से चारों चले जाओ, यहाँ से चारों चले जाओ, तो यह है एक समूहवाचक विशेषण। देखिए अगर आप इसको जो यहाँ पे लिखा गया, अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए। अगर वहाँ पे एक ऐप का लिंक दिया गया है, तो आप अगर उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको, जो थियरी है और जो इसका एक्सरसाइज है, सब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये छठवा है और अंतिम है। इसमें है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि प्रति, प्रत्येक, हरेक, एक एक, मतलब कि जहाँ हर एक व्यक्ति, जैसे 2 हो, 3 हो, लेकिन सभी काम करें, वहाँ पे होगा प्रत्येक बोधक। और अगर एक लाइन में समझे तो यहाँ प्रत्येक लगभग शब्द होगा, प्रत्येक होगा, या फिर हरेक होगा, या फिर एक एक करके होगा। तो ये होता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक को प्रसाद मिलेगा या फिर मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, फिर एक एक व्यक्ति प्रसाद ले लो। तो इस तरह जो भी शब्द आएंगे, इन्हें हम कहेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए अभी तक हम संख्यावाचक विशेषण में पहला टाइप देख रहे थे। संख्यावाचक में पहला टाइप क्या था, अगर हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें, तो ये था निश्चित संख्यावाचक, जिसमें से हमने 6 भाग देखा। अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या होती है वो मतलब कंफर्म नहीं होती है, कोई, कई, सब, ये सब यहाँ पे दिया होता है। तो अब देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें संख्या का बोध होगा लेकिन कंफर्म नहीं होगा। जैसे कि सारे आम सड़ गए, सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तक है, बताया तो जा रहा है कि कुछ हैं, लेकिन कितना है पता नहीं। लंका में अनेक महल जल गए, अनेक महल जल गए, कितना जले, 5, 6, 10 पता नहीं, अनेक महल जल गए। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। देखिए यहाँ पे आपसे एक परीक्षा में इसी तरह उदाहरण दे दिया जाएगा कि सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, और पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन सा विशेषण है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत है, और थोड़ा डीप में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ये भी मतलब है कि आपका कोई भी एग्जाम होगा, वहाँ पे हिंदी ग्रामर से जो भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो से मिल सकते हैं। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेष, संख्यावाचक के तहत आने वाले जो पूर्णांक बोधक होते हैं, इसमें क्या होता है कि पहले लगभग, करीब, बाद में, एक और ओ प्रत्यय लगाने के बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। देखिए क्या था कि जो संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, एक पूर्णांक बोधक विशेषण था, जिसमें कि पूर्णांक होते थे 1, 2, 4। अगर आपको याद हो, देखिए हम आपको दिखा दें, यहाँ पे पूर्णांक बोधक होता था। पूर्णांक बोधक का मतलब कि 1, 25, 2 और 4। तो इस तरह जो पूर्णांक बोधक शब्द होता है, इसी में बताया जा रहा है कि अगर इसी पूर्णांक बोधक शब्द में ही लगभग, करीब, बाद, एक और ओ, इनमें से कोई प्रत्यय लगा दें, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि लगभग 50 लोग आएंगे, तो
तो अगर यहाँ पे आप लगभग को हटा दें, 50 लोग आएंगे केवल रहे, अगर इस लगभग को हम हटा दें पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? तब तो ये हो जाएगा पूर्णांक, पूर्णांक बोधक विशेषण। लेकिन जब यहाँ पे हो गया लगभग 50 लोग आएंगे, तो ये हो गया जो अनिश्चित संख्यावाचक था उसमें का। तो जहां पर जो पूर्णांक आएगा लेकिन उससे पहले लगभग, लगभग, करीब, बाद, एक, वो, इस तरह के कोई भी प्रत्यय आ जाएंगे, कुल मिला के आप ये समझिए कि जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, कन्फर्म नहीं पता हो, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कभी कभी क्या होता है कि दो पूर्णांक एक साथ आकर के अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, मतलब कि दो पूर्णांक तो आएंगे लेकिन संख्या कन्फर्म नहीं होगी। तो आपको ये सब याद करने से बढ़िया है बस एक लाइन में ये समझ जाइए कि जहां पर कन्फर्म ना हो, जैसे कि अगर कोई कहता है कि मुझे 5-6 रुपए दो, तो 5-6 रुपए मतलब क्या, 5 या 6 कन्फर्म तो हो नहीं रहा है, यानी कि वो 7 भी मांग सकता है। तो यहाँ पे जब कन्फर्म ना हो तो भले ही यह पूर्णांक है लेकिन यह अनिश्चयवाचक बन गया है। जैसे कि 40-50 रुपए चाहिए, 40-50 रुपए, 40 की 50, अब पता नहीं 41 भी चाहिए या फिर 45 चाहिए। तो जहाँ पे कन्फर्म ना हो, निश्चित ना हो, वहाँ पे होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए एग्जाम में जब हार्ड क्वेश्चन बनाने होंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि दीना गोरी है या फिर आम काला है, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जब हार्ड क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो काम में 2-3 घंटे और लगेंगे, 2 या 3, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक विशेषण है। अब देखेंगे तीसरा, जो कि विशेषण हम देख रहे थे जिसमें कि 4 प्रकार का विशेषण था, तो इसमें से पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में आप नाम से याद रख सकते हैं, इसमें परिमाण की बात होती है, मतलब किसी के रिजल्ट की। जैसे 2 मीटर कपड़ा दो, 1 किलो चीनी लाइए, थोड़ा पानी लाइए, मतलब किसी के क्वांटिटी की बात हो रही है कितना। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ऐसे शब्द आएंगे, ऐसा विशेषण आएगा जो किसी की क्वांटिटी को बताएगा, उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, कितना कपड़ा, 2 मीटर, एक मतलब बताया जा रहा है कि कितना, तो ये हो गया परिमाणवाचक। 1 किलो चीनी दो, तो लगभग ये भी उसका परिमाण बताया गया है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, थोड़ा, तो ये भी एक तरह से परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं और इसमें भी वही होता है, निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा कि कन्फर्म होगा 2-3-4 जो भी, लेकिन अनिश्चित में क्या होगा कि उसी तरह आपको पता नहीं चलेगा कि कितना, ये तो पता चलेगा कि हाँ है लेकिन कितना ये नहीं पता चलेगा। उदाहरण देख लीजिए, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, मतलब यहाँ पे सब कुछ निश्चित निश्चित है। तो इस तरह को आप क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण बोधक। अब अनिश्चित में क्या होता है, थोड़ा, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। तो इस तरह क्या होगा कि थोड़ा पानी दो, अब थोड़ा में कितना पानी, आधा गिलास, एक गिलास या फिर एक बूंद, कितना पता नहीं। तो इस तरह का जो भी शब्द आएगा उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक। अब देखते हैं चौथा, सार्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण का चौथा तथा अंतिम पार्ट है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं जिससे पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी है। तो जो चौथा होता है उसे देख लेते हैं, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाए और वो विशेषण की तरह काम करने लगे, तो उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, संज्ञा भी बता दिया है, संज्ञा की जगह पे जो प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो जब कोई सर्वनाम वाला शब्द संज्ञा से पहले आ जाता है और वो विशेषण की तरह काम करने लगता है, मतलब कि वो किसी की विशेषता बताने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देख लीजिए, वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो अगर आप देखेंगे वह को, तो यह एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या होता है अगर आपको नहीं पता अच्छे से, तो हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर्वनाम मतलब होता है जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाए, तो वह तो एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसमें ये एक विशेषता बता रही है, वह लड़की, मतलब वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है वह। तो यहाँ पे जब इस तरह की कंडीशन आए कि कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताने लगे, तो इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सार्वनामिक विशेषण भी 2 तरह का होता है, मूल सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। पहले हम देखेंगे मूल सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम होता है इनका मतलब कोई भी रूपांतरण नहीं होता है, वो मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, मूल मतलब कि अपना पुराना जो भी उसका रियल फॉर्म है उसी रूप में ये प्रयोग कर लिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह, कोई, कुछ, तो ये आप देखेंगे तो मूल रूप से यह सर्वनाम है। अगर आपने सर्वनाम वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम है अगर अपने पुराने फॉर्म में ही यूज कर लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण है, वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दो, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो इसमें वह, कोई और कुछ ये मूल सार्वनामिक विशेषण है। अब देखेंगे जो दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जो मूल रूप से सर्वनाम होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ मिल करके 2 या फिर 2 से अधिक विशेषण एक साथ काम करके इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि ऐसा, ऐसा आप देखेंगे तो आपको सर्वनाम में नहीं बताया गया है, कितने, इतना, कितना, ये सब जो ऐसे शब्द हैं इनको हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो जहाँ पे जो यौगिक रूप में प्रयोग हो, मतलब कि 2 को जोड़ करके या फिर उसका बदला हुआ रूप प्रयोग हो, तो उसे हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये था चौथा। अब देख लेते हैं विशेषण की कुछ अवस्थाएं जो कि कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं मूल रूप से 3 प्रकार की। इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है उनमें गुण और दोष के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है विशेषण की अवस्थाओं को। देखिए अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो 4 होगा, अगर विशेषता मतलब इसकी अवस्था पूछी जाती है अवस्था, तो ये होती है 3। अवस्था में पहला होता है मूलावस्था और दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था।
मूला, उत्तरा और उत्तमा, ये तीन इसकी अवस्थाएं होती हैं। पहले हम देखेंगे मूलावस्था को। तो मूलावस्था में क्या होता है कि विशेष और तुलनात्मक रूप में नहीं होता है, मतलब तुलना नहीं करता है, बस एक ही के बारे में बात होगी। जैसे राम सुंदर है, आम आम काला है, वह गोरा है, इस तरह बस एक ही के बारे में बात होगी, तो उसमें तुलना नहीं होगा। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है, सूरज अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है, तो इसमें जिस शब्द में भी, जैसे पहले शब्द में देखा जाए तो सावित्री की तुलना किसी से नहीं हुई है, ये मूल रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे सावित्री का किसी से, यहाँ पे सेंटेंस को देखने पर आपको ये नहीं लगेगा इसका किसी से मतलब है या फिर किसी से तुलना दिखाया गया है। तो ये होता है मूलावस्था। इसमें सामान्य विशेषता प्रकट की जाती है, किसी का भी कोई गुण बता दिया जाएगा लेकिन किसी से या फिर एक से अधिक व्यक्तियों से तुलना नहीं की जाएगी। दूसरा जो होता है ये होता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है। जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा गुड बेटर बेस्ट होता है, तो गुड मतलब एक होता है, बेटर मतलब की तुलना के लिए, और एक होता है बेस्ट। तो उसी तरह ये जो बीच वाली कंडीशन है उत्तरावस्था है, और इसमें क्या होगा कि दो व्यक्तियों के बारे में तुलना होगी। रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो आप पिछले में देख रहे थे कि बस उसी के बारे में बात की गई थी, लेकिन उत्तरावस्था में क्या हो जाता है कि उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है। दो व्यक्तियों, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज में तुलना की जा सकती है। जैसे मुंबई दिल्ली से बड़ी है, तो किसी भी चीज में जब भी दो वस्तुओं में, व्यक्तियों में, जगह में तुलना हो, जिसे हम कहेंगे उत्तरावस्था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यह है उत्तमावस्था जो कि अंतिम है अवस्था की। तो उत्तमावस्था में क्या होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक व्यक्ति से की जाती है, या फिर एक से अधिक व्यक्ति से तुलना की जाती है, मतलब जो अंग्रेजी में आप बेस्ट वाला फॉर्मेट देखते हैं वो है। यहाँ पे अंग्रेजी वाला इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप गुड बेटर बेस्ट के बारे में जरूर सुने होंगे। तो यह होता है उत्तमावस्था। तो इसमें क्या होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक या फिर एक से अधिक व्यक्ति से किया जाता है। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, संदीप निकृष्ट बालक है, चाहे क्लास में संदीप सबसे सुंदर है, सबसे तेज है। तो इस तरह जहां पे दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए उसे हम कहेंगे उत्तमा अवस्था। तो बस ये तो हो गया विशेषण का पूरा एक चैप्टर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों में ताकि हमें भी सपोर्ट हो सके और आपके सभी दोस्तों तक ये वीडियो जा सके। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताया करिए, हम देखते हैं आपको कितना आता है। और खास रूप से रिक्वेस्ट उन लोगों से जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, तो वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण कौन है, इसमें कौन ऐसा शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहा है, और जो भी किसी की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो आप देखेंगे ये तो सही उत्तर हो जाएगा, सुंदर। ये किसी की विशेषता बताता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है बताइए। ये क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन ऐसा शब्द है जो कि विशेषण है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा सच्चा। सच्चा और सच्चा शब्द होगा, इसमें केवल शीतलता नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, तो ये होगा एक शब्द विशेषण। यहाँ पे रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरह से यहाँ पे एक नंबर प्रयोग में लाया गया है, दोहरे, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, दोहरे चरित्र। अगला है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, जहां पर परिमाण बताया गया है। देखिए परिमाण वाचक में आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे अक्सर द्रव्यवाचक जो द्रव्य होती है उन्हीं को लिया जाता है। तो इसमें आप देखिए, जो तुम 10 रुपये लाओ, कम रोटियां खाता है आदमी, कुछ पछिला है, उसने कुछ पानी पिया, तो इसके लिए चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं, लेकिन अवस्थाएं कितनी होती हैं ये बताइए। अभी अभी हमने कुछ इसको कंफर्म किया है, ये होती हैं तीन, मूल, उत्तम और उत्तरा। अगला है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, जहां पे गुण के बारे में बताया गया हो, तो बताइए। सही उत्तर है नया। बताया गया कैसा है, तो नया है, कितना है नहीं, नया है, गुण बताया गया है। अगला है विशेषण की उत्तमा अवस्था किस विकल्प में है। उत्तम अवस्था, अभी आप देख रहे थे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो जो उत्तम अवस्था है ये बताना है आपको। उत्तमा में क्या होता है, अगर आप इंग्लिश से करें तो बेस्ट, यानी कि एक व्यक्ति की कई लोगों से तुलना एक साथ। तो इसमें से सही होगा सीना सबसे सुंदर है, सीना सबसे सुंदर है। अगला है कि वह पुस्तक पढ़ो, इस वाक्य में विशेषण है, क्या विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये बताना है। विशेषण तो है वह, पक्का पता है कि वह है, लेकिन कब ऐसी कंडीशन आती है जब सर्वनाम पहले आ जाए और संज्ञा की विशेषता बताने लगे, तो उस तरह के विशेषण को हम क्या कहते हैं, तो ये होता है विशेषण का चौथा भाग, और इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अगला है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन नहीं है, जो कि संज्ञा से ना बनाओ। तो अगर इसमें से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा लिखित, लिखित क्योंकि ये क्रिया से बना है, लिखना से बना है, तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि आलस्य शब्द का विशेषण बताइए। किसी को आलस्य शब्द से रिलेटेड कोई मतलब कि वाक्य बना के बोलना है और वहाँ पे उसको विशेषण के रूप में प्रयोग करना है, तो आप क्या कहेंगे, वह बहुत आलसी है, वह बहुत आलसी है, तो उसके बारे में विशेषता बताई गई है आलसी से, यानी कि आलसी सही उत्तर हो जाएगा। तो बस अंतिम क्वेश्चन, और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है, कौन ऐसा है जो विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। शुरू करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कारक होता क्या है। तो कारक का मतलब ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई भी संबंध बताया गया है, वो संबंध बताने वाला शब्द ही कारक होता है।
मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य भाग से जो शब्द संबंध बताता है, मतलब कि कैसे जुड़ा हुआ है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ने ने होता है, को होता है, रावण को मारा तो यहाँ पे को आ रहा है, से आता है, के लिए आता है, का के की, उसी तरह रे हे अहो, तो इन सबको कहते हैं कारक। यहाँ पे जो कारक होते हैं इनके लिए आपको जो कारक चिन्ह दिए गए हैं इनको याद करना होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा कारक है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम ने, इसमें जो ने है इसमें कौन सा कारक है, तो इसने में कर्ता कारक है। तो इसके लिए जो 8 कारक चिन्ह है उनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए कई तरह के फॉर्मूले भी बताए जाते हैं, यहाँ पर भी एक दिया गया है। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकारी दे में मान, हे रे हे हो संबोधन, मित्र धरहुं यह ध्यान। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह याद रखें, आपको याद करने का एक तरीका यह भी हो सकता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे अहो या फिर अजी। तो आपको अपने हिसाब से याद रखना है। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं सेम चीज आपको दिखेगा, जैसे कि करण से होता है और संप्रदान से क्या होता है, के लिए। यहाँ अगर करण में आप देखेंगे तो से होगा, अपादान में भी से होता है, लेकिन करण में क्या होता है कि जिसके द्वारा कर्ता पे काम का प्रभाव पड़ता है, और अपादान में डिफरेंस ये है कि उससे अलग होने का भाव आता है। तो पहले आपको ये याद रखना होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो उम्मीद है कि आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद कर सकते हैं। शुरू करते हैं कि कारक के बारे में, ये कितने होते हैं और इनमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में कारक संबंधी हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि 8 कारक हैं, तो इन्हें हम 8 कारकों को क्रम बाय क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का ये होता है कि ये जो कर्ता होता है, कर्ता मतलब आप जानते हैं जो कि उसमें काम करता है, जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम इसमें है, लड़की है, लड़की स्कूल जाती है, तो इस तरह जो कर्ता कारक होता है इसके लिए जो भी चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। और इसके लिए कर्ता कारक के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है ने। राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो ये ने है हर जगह है, लेकिन जहां पर ने आएगा इसका मतलब है कि ये कर्ता कारक को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला वाक्य है इसमें कर्ता राम है, और यहाँ पे जो विभक्ति प्रयोग की गई है इसमें कर्ता कारक ने प्रयोग की गई है, और इसमें जो मारा है ये भूतकाल की क्रिया है। तो अक्सर देखा गया है कि जो भूतकाल की क्रिया होती है उन्हीं के साथ आपको कर्ता कारक का ने दिखता है, जैसे लड़की स्कूल जाती है, तो ये भूतकाल का नहीं है, ये वर्तमान काल का है, इसीलिए इसमें आपको ने नहीं दिख रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कर्ता कारक भी 2 तरह के होते हैं, इसमें पहला होता है परसर्ग सहित और दूसरा होता है परसर्ग रहित। परसर्ग सहित मतलब कि इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। जैसे कि पहला उदाहरण आपने देखा था, राम ने रावण को मारा या फिर राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे जो ने है ये है परसर्ग सहित। होता क्या है कि जब भूतकाल की क्रिया होगी तो भूतकाल की संक्रामक क्रिया के साथ ये जो कारक है ये लगाया जाता है। जो अन्य होता है जिसमें कि भूतकाल की अकर्मक क्रिया होती है वहां पे परसर्ग नहीं लगाया जाता है, जैसे बालक लिखता है राम गिरा, तो यहाँ पर बालक भी करता है, राम भी करता है, लेकिन यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन जाके यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि जहां पर ने का प्रयोग होगा ये कर्ता कारक से संबंधित है। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है कि इसमें आता है को, जैसे कि कर्ता कारक में ने आ रहा था, कर्म कारक में आता है को। और कई जगह ऐसा होगा जहां पे को का प्रयोग भी नहीं होगा, लेकिन ये कर्म कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन करता है और इसके साथ कर्ता का कारक लगा है ने, सांप को मारा, तो यहाँ पे ये कर्म है और कर्म के साथ विभक्ति क्या लगी है, को। तो कर्म के साथ को लगता है, को मारा, मारा यहाँ पे क्रिया है। लड़की ने पत्र लिखा, सीता फल खाती है। तो हमने आपको बताया कि जो पहला है इस पे ये यहाँ पे परसर्ग के साथ हुआ है और दूसरे में कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पे परसर्ग नहीं लगा है। तो आपको बस ये समझना है यहाँ से कि कर्म के साथ जो कारक यूज होता है उसे हम कहते हैं को। हमने अभी तक 2 पढ़ा है, कर्ता ने और कर्म को। तीसरा देखते हैं करण कारक। करण कारक में क्या होता है कि इसमें जो साधने का बोध होता है, मतलब किसी के द्वारा काम होता है, जैसे कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बाण से मारा, तो यहाँ पे से है, इसको हम के द्वारा भी लिख सकते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पे जो ये से प्रयोग हो रहा है ये होता है करण कारक। यानी कि पहला था कर्ता ने, दूसरा था कर्म को, तीसरा है करण से, तो यहाँ पे से का मतलब होता है के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यह है 4थे नंबर का कारक और ये होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो मतलब है, इसका मतलब होता है देना, और इसमें क्या होता है कि जो शब्द प्रयोग होता है के लिए प्रयोग होता है, संप्रदान में के लिए प्रयोग होता है। और अगर किसी भी वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि उसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो वहां पे आप संप्रदान कारक यूज कर सकते हैं। जैसे कि गरीबों को खाना दो, मतलब ये खाना किसके लिए दिया जा रहा है, गरीबों के लिए, तो यहाँ पे जब के लिए की बात आ रही है तो यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मतलब अमन ने गाड़ी दी किसके लिए, श्याम के लिए। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जहां पर भी के लिए का मतलब आता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अर्थ में के लिए प्रयोग हो रहा है तो आपको संप्रदान कारक ही ट्रिक करना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, भिखारी को धन दो, धन दो,
तो यहाँ पे आप देखेंगे भिखारी को धन दो, तो यहाँ पे को है, तो को अगर आप देखेंगे कि को का क्या होता है तो कर्म होता है, लेकिन आपको इससे केवल को नहीं देखना है, इसका मतलब समझना है। तो ये धन भिखारी के लिए देने की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे होगा संप्रदा कारक। इसी तरह ये पहला उदाहरण है गरीबों को खाना दो, तो केवल अगर आप को देख के ट्रिक करेंगे तो आप गलत उत्तर ट्रिक कर देंगे, इसलिए जरूरी है कि आपको अर्थ समझना होगा। अगर के लिए का या फिर के लिए जैसा कोई अर्थ आता है तो वहाँ पे होगा संप्रदान कारक। पांचवा होता है आपादान कारक। आपादान का मतलब होता है यहाँ पर आपको से दिखेगा, लेकिन से के साथ ये अर्थ आएगा अलग होने का। से के साथ अलग होने का जब अर्थ आता है तो वहां पर होगा आपादान कारक। जैसे से में आपने देखा था कि से का अर्थ आ रहा था करण में भी, लेकिन वहां पर के द्वारा समझ में आ रहा था, उसके द्वारा उसको साथ लेकर के, लेकिन आपादान में भी से मिलेगा लेकिन इसका अर्थ होगा अलग। जैसे कि बच्चा छत से गिर पड़ा, तो बच्चा छत से अलग हो गया, तो यहाँ पे जो से है ये होगा आपादान कारक। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, तो यहाँ पर भी ये अलग हो गई, तो यहाँ पे जो से प्रयोग हो रहा है ये होगा आपादान कारक। यानी कि जहाँ पे से प्रयोग हो और अलग होने जैसी संबंध बात समझ में आए वहाँ पे होता है आपादान कारक। अगला देखेंगे और यह छठवां, यह होता है संबंध कारक। तो संबंध में क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे का संबंध बताया जाता है, और इसके लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं का के की रा रे रे। वैसे आप देखेंगे तो का के की का ही ज्यादा प्रयोग होता है। ये जो विभक्तियां या फिर कारक होते हैं ये कभी कभी लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है का, यह कमला की गाय है, तो यहाँ पे देखा आपने का प्रयोग हुआ, यहाँ पे की हो गया, तो यहाँ पे ये लिंग के अनुसार का की हो गया है। तो जहां पे संबंध की बात आए वहां पे होता है संबंध कारक। आगे बढ़ते हैं और यह है सातवें नंबर का अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती है यह होता है में और पर। में और पर यहाँ पे जो में और पर का अर्थ होता है यह भीतर अंदर ऊपर बीच कई तरह का होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, यहाँ पे पर आ गया, और आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर है तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। पानी में मछली रहती है, यहाँ पे में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कमरे के अंदर के प्रयोग हुआ है। वह सुबह गंगा किनारे जाता है तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। कुल मिला के एक लाइन में कहें तो आपको सीधे वाक्य को देख के डिसाइड नहीं करना है, वाक्य के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी समझना होगा। अगर आप अर्थ समझ के कारक का चुनाव करेंगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। अब देखेंगे आठवां और अंतिम कारक के को, तो ये होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब संबोधन मतलब आप समझ सकते हैं, संबोधन मतलब होता है बुलाना। तो जहाँ पे इस तरह का कोई संबंध आए वहाँ पे होता है संबोधन कारक। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे बुलाना, कोई किसी को पूछ रहा है बुला रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पर यह चिन्ह प्रयोग हो रहा है संबोधन का यहाँ पे संबोधन कारक होता है। हे गोपाल यहाँ आओ, तो यहाँ पे अरे भैया और हे गोपाल ये दोनों शब्द संबोधन कारक को दर्शाते हैं। अब कुछ डिफरेंस जान लीजिए जो कि आपको परीक्षा में कई बार पूछे भी जाते हैं। जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक में आपको देखेंगे कि दोनों ही कारक में को विभक्ति प्रयोग की जाती है। को विभक्ति का प्रयोग दोनों में ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आपको अपना डिसीजन उसके अर्थ के अनुसार लेना होगा। जैसे कि विकास ने सोहन को आम खिलाया, सोहन को आम खिलाया, या फिर मोहन ने राम को मारा, राजू ने रोगी को दवाई खिलाई, तो यहाँ पे को होगा, और स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो तो यहाँ पे संप्रदान होगा। तो आपको अर्थ समझना है ना कि उसका शब्द देख के डिसीजन लेना होगा। उसी तरह सेम टू सेम उठता है करण कारक और अपादान कारक में। दोनों में आपको सी दिखेगा, दोनों में कई जगह आपको से दिखेगा, लेकिन करण कारक में होता है से का मतलब के द्वारा, और उसका उल्टा आपादान में होता है इसका मतलब अलग। तो जहां पे अलग होने का भाव है वहां पे आपादान कारक, जहां पे उसके द्वारा कोई काम हो रहा है वहां पे करण कारक होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो ये कलम के द्वारा लिख रहा है तो ये करण कारक होगा। जेब से सिक्का गिरा, यहां पर भी से है लेकिन अलग हो रहा है तो ये आपादान कारक होगा। बालक गेंद से खेल रहे थे तो ये करण कारक होगा। सुनीता घोड़े से गिर गई तो ये आपादान होगा। गंगा हिमालय से निकलती है तो ये भी आपादान होगा। तो इस तरह आपको अर्थ के अनुसार इनको अलग अलग करना है। अब ये जो विभक्तियां होती हैं ये दो तरह की होती हैं, और इसमें से पहली होती है विश्लिष्ट, दूसरा होती है संश्लिष्ट। तो यहाँ पे जो विभक्तियां संज्ञा के साथ आएंगी उसे हम कहेंगे विश्लिष्ट, और जो सर्वनाम के साथ आएंगी उन्हें कहते हैं संश्लिष्ट। ये कभी कभी पूछा गया है, जब हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपके सामने आएगा इसका एक्सरसाइज, और जहाँ पे आपको अपना उत्तर ट्रिक करना है क्वेश्चन को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे सीधे आपको इसका उत्तर बताना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका उत्तर तो हमें कमेंट करके बताइए। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो कारक होते हैं इसके 8 भेद होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। तो हिंदी में कारक होते हैं 8। अगला है कि रूस ने भारत को आर्थिक सहायता दी, रूस ने भारत को आर्थिक सहायता दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको को दिख रहा है, को भारत को, तो यहाँ पे भारत को, तो यहाँ पे को दो में होता है, एक कर्म में होता है और एक संप्रदान में होता है, लेकिन ये आर्थिक सहायता भारत के लिए दी गई है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। राम ने रोटी खाई, इनमें कौन कारक है, राम ने रोटी खाई इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ने प्रयोग हुआ है और ने प्रयोग होता है कर्ता कारक में। कारक का अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है, तो कारक का ये मतलब होता है करने वाला। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो कमेंट करते रहिए। अगला है कि कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो कारक को जो भी चिन्ह प्रयोग में
प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं विभक्ति। तो यानी कि कारक आपने देखा 8 होते हैं और इसके लिए कई तरह की विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो अगर आप देखेंगे तो ये से आया है और ये अलग होने का भाव है, तो जहां पे से आए और अलग होने का भाव है तो ये हो जाएगा आपादान कारक। अगला है कि अपना काम स्वयं करें, इसमें कौन सा कारक है? अपना काम स्वयं करें, तो यहां बताइए आपके हिसाब से कौन सा कारक है। यहां पे हम 2 सेकंड रुकेंगे आपके लिए। सही उत्तर है संबंध, यहां पे संबंध बताया गया है और यहां पे है संबंध कारक। अगला है कि वह पत्र लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? वह पत्र लिखता है, तो अगर यहां पे आप देखें तो यहां पे छिपा हुआ है वह पत्र को लिखता है, तो जहां पे को आता है वहां पे क्या होता है? या तो कर्म होगा नहीं तो संप्रदान होगा, लेकिन अगर के लिए की अर्थ आएगा तब संप्रदान होगा, यहां पे के लिए का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं बताया गया है कि किसके लिए लिख रहा है, यानी कि सही उत्तर होगा कर्म कारक। अगला है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, बेहद आसान क्वेश्चन और इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको हम छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अभी आपने देखा कि कारक को जिन चिन्हों से प्रयोग करते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं, तो विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे पूछा गया है, तो इन्हें जाना जाता है परसर्ग के नाम से। अगला क्वेश्चन कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं, तो जब लगाव या फिर संबंध आ जाए तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। शुरू करते हैं, बात करते हैं उपसर्ग होता क्या है। तो देखिए उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपसर्ग में एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि जब कोई नया शब्द किसी शब्द के पास आकर के एक नया शब्द बना दे तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। हालांकि उप प्रत्यय में भी यही कंडीशन होती है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में एक अंतर यह है कि उपसर्ग में आगे जुड़ता है और प्रत्यय में पीछे जुड़ता है, ये एक सबसे बड़ा अंतर है। प्रत्यय के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देखिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे उपसर्ग के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पराजय, तो यहाँ पे एक जय शब्द था और इसके आगे आके जुड़ गया परा, और इसका इन पूरे का मतलब क्या होगा? हार। तो इस तरह जो जय था इसके आगे एक परा जुड़ा, तो परा जुड़ने के कारण इसका अर्थ नया हो गया और ये हो गया हार। तो यहाँ पे वही होगा, एक नया शब्द आएगा और तीसरा नया शब्द बना देगा, उसे हम कहेंगे उपसर्ग। देखा जाए तो उपसर्ग कई तरह के होते हैं, कई भाषाओं से लिए जाते हैं और ये सारे आपको हिंदी ग्रामर के तहत पढ़ना होगा, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समाप्त प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। तो यहाँ पे इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। देखिए परीक्षा में आपको संस्कृत और हिंदी का उपसर्ग छाटने को नहीं दिया जाएगा, बस वहाँ पे दिया जाएगा और आपको छाटना होगा कि इस उपसर्ग का मतलब क्या है और इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे कि कहीं कहीं उपसर्ग लगा होता है अति अति, जैसे कि आप देखेंगे अत्याचार है, अतिक्रमण है, अतिरिक्त है, अतिशय है, तो अत्यंत है, तो अति मतलब होता है अधिक या फिर ऊपर या फिर उस पार, इस अति का मतलब यह है। तो आपसे एग्जाम में इसका मतलब भी पूछ सकता है कि इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है और इस उपसर्ग का मतलब क्या है। तो अतिरिक्त में अति उपसर्ग लगा है, हमने आपको बताया कि जो उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़ते हैं, तो इसमें अति उपसर्ग लगा है और इस अति का मतलब है अधिक, ऊपर या फिर उस पार। तो अगला शब्द है अधि, अधि का मतलब होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ, और जो अधि से शब्द पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति और इस तरह और भी। उसी तरह अगला शब्द है अप, और अप से जो शब्द बनते हैं वो है अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकृति, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद और इस तरह और भी। तो यहाँ पे अप का जो मतलब होता है ये होता है बुरा या फिर अभाव, हीनता या फिर विरुद्ध। जैसे कि अपमान, अपमान मतलब कि जहाँ पे आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाए उसको अपमान कहते हैं। अपशब्द, जहाँ पे बुरे शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे हम अपशब्द कहते हैं। अपराध, जहाँ पे गलत काम हो उसे हम अपराध कहते हैं। अपहरण मतलब वही होता है। अपकृति मतलब कि जहाँ आपकी कृति को नुकसान पहुँचे उसे हम अपकृति बोलते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पे कुल मिला के इस शब्द को देखना है, इसका मतलब जानना है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है ये भी देखते जाना है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह अगला उपसर्ग है अ, और इसका मतलब होता है अभाव, अ मतलब अभाव, और इससे जो शब्द बनते हैं ये है अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार और इस तरह और भी। अगला है अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या फिर समानता या क्रम या फिर पश्चात। कई जगह कई मतलब निकल के आते हैं, तो जो भी मतलब इसके निकल के आते हैं सभी यहाँ पे लिखे गए हैं। इससे जो शब्द बनता है अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन और इसी तरह और भी। देखिए आपसे पूछ लेगा कि अनुज में कौन सा उपसर्ग है, अनुज में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे कि अनु है, कहेगा कि अनु का अर्थ बताइए, या फिर क्वेश्चन एक ही पूछेगा कि अनुज में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब होता है पीछे। देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, जो कि उपसर्ग से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो क्लास में कवर किया गया है, इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है। बढ़ते हैं आगे, तो अगला है कि जो अगला शब्द है यह है आ, आ मतलब होता है ओर, सीमा, समेत, कमी या फिर विपरीत, और इनसे जो शब्द बनते हैं यह है आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। देखिए अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए, अगर वहाँ पे किसी ऐप का लिंक दिया गया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये लाइन बाय लाइन मिल जाएगा।
औ मतलब होता है हीनता या फिर अनादर या फिर प्रथम। इस औ से जो शब्द बनते हैं वो है अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष। अगला शब्द है उप। उप का मतलब होता है निकटता या फिर सदृश, गौड़ या फिर सहायक या फिर हीनता। तो इसका जो शब्द बनते हैं उप से उपकार है, उपकूल है, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद और इत्यादि। उसी तरह जो अगला शब्द है यह है नी, और नी का अर्थ होता है भीतर या फिर नीचे या फिर अतिरिक्त। जो इससे शब्द पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध और निदान, निबंध। अगला है निर। निर है जिसमें रप हलंत है, इसका मतलब होता है बाहर या फिर निषेध या फिर रहित। जैसे कि निवास, निराकरण, निर्भय, निरापराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। इस तरह जो अगला शब्द यह है परा। परा मतलब होता है उल्टा या फिर अनादर या फिर नाश। तो इससे जो शब्द बनते हैं पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श और पराभूत। अगला शब्द है परी। परी मतलब होता है आसपास यानी कि चारों ओर, और इसका यह भी होता है कि पूर्ण। तो इससे जो शब्द बनते हैं यह है परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण और इसी तरह और भी। तो इस तरह आपको जो जो शब्द बन रहे हैं उन्हें देखना है अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा जाएगा। कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछने होते हैं तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन सा उपसर्ग है। तो आप इस तरह जब थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे उतनी आसानी से, इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें। निम्न में नी शब्द लगा हुआ है। बढ़ेंगे आगे। अगला शब्द है प्र। प्र मतलब होता है अधिक, आगे, ऊपर या फिर यश। यहाँ पे इसे जो शब्द बनते हैं प्रकाश है, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार और प्रयास। प्रति है। प्रति मतलब होता है विरोध यानी कि बराबरी, प्रतीक या फिर परिवर्तन। इससे जो शब्द बनते हैं वो है प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रतीक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष और इस तरह और भी। एक शब्द आता है उपसर्ग बी। तो बी मतलब होता है भिन्नता, हीनता या फिर विशेषज्ञता। जैसे कि इससे मिलने वाले शब्द हैं विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष और विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय और विनाश। एक शब्द आता है सम। सम मतलब होता है संयोग या फिर पूर्णता, और इससे जो शब्द बनते हैं संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृति, सम्मुख, संगाम इत्यादि। उसी तरह एक उपसर्ग है सु। सु मतलब होता है सुंदर, अच्छा, सुखी, अभाव, सहज। इससे जो शब्द बनते हैं सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। अगला शब्द है अध। अध मतलब होता है आधा, मतलब जहाँ पर भी अध का प्रयोग होता है उसका मतलब होता है आधा। तो अध से जो शब्द बनते हैं वो अधजला, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधसेरा इत्यादि। तो ये सारे शब्द मिलके बनते हैं अध उपसर्ग से। जहाँ पर भी अध का प्रयोग होगा उसका मतलब होता है आधा। कुछ और भी उपसर्गों को देखेंगे। अ या फिर अन, इसका प्रयोग होता है निषेध के अर्थ में, मतलब मना करने के अर्थ में। अमोल, अपढ़, अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान। उन। उन मतलब होता है एक कम, जैसे कि 29 मतलब 30 से कम, 49 मतलब कि 50 से कम, 59 मतलब कि 60 से कम। तो इस तरह जो भी उन जहाँ पर लग जाए उसका मतलब होता है एक कम। 29 है, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। अ मतलब होता है हिंता या फिर निषेध। इससे जो शब्द बनते हैं अवगुण, अवघट, अवसर, अवसर इत्यादि। दु मतलब होता है बुरा या फिर हीन। इसका होता है जो इससे शब्द बनते हैं दुकाल, दुबला इत्यादि। नी मतलब होता है निषेध या फिर अभाव, और कहीं कहीं इसका शब्द विशेष के रूप में भी लगता है। निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि इससे शब्द बनते हैं। बिन मतलब होता है निषेध, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम, ये शब्द इससे बनते हैं। भर मतलब होता है पूरा, पूरा या फिर ठीक। भर पेट, भरसक, भरपूर, भरदिन इत्यादि इससे शब्द बनते हैं। कु मतलब होता है बुराई, जैसे कुखेत, कुपात्र, कुकाट, कपूत, कुढ़ंग इत्यादि। तो ये थे कुछ संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं डायरेक्ट। अब देखेंगे कुछ हिंदी के उपसर्गों के बारे में जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे हम सारे चैप्टरों को, चाहे वो संधि हो, समास हो, या फिर सभी को एक विस्तार रूप से कवर कर रहे हैं, ताकि आपके किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, या फिर कहीं किसी लेवल का कोई हिंदी ग्रामर का पेपर हो, आपको इससे बाहर ना पूछा जाए। उपसर्ग में जो पहला शब्द हिंदी में यह है अन। अन मतलब होता है इसका निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा, मतलब नहीं देखा। अध। अध मतलब कि आधे के अर्थ में होता है, जैसे अभी आपने देखा। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। उन। उन मतलब कि अभी आपने इसे देखा है, संस्कृत में प्रयोग होता है। और इसी तरह भर। भर मतलब पूरा हो, ठीक। धु मतलब होता है बुरा, मतलब कि दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। अब होता है नी। नी मतलब होता है अभाव या फिर विशेष, निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। अ मतलब फिर से अभाव या फिर निषेध, अछूता, अथा, अटल। क मतलब होता है अगर किसी शब्द के आगे क लग जाए तो इसका मतलब होता है बुरा या फिर हीन। कपूत मतलब अच्छा पूत नहीं, कचोट। कु मतलब होता है बुरा, मतलब कुचैल, कुचैला, कुचक्र, ये होता है कु मतलब शब्द अर्थ होता है बुरा। अ मतलब हीन या फिर निषेध, अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर मतलब होता है पूरा, मतलब कि भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, इससे शब्द बनते हैं। सु मतलब होता है अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़ और सुफल, इससे शब्द बनते हैं। पर मतलब दूसरा यानी कि बाद का, परलोक, परोपकार, परसग, परहित। और बिन मतलब होता है बिना या फिर निषेध, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो ये शब्द है जो हिंदी से पूछे जाते हैं उपसर्ग के रूप में। अब देखेंगे उर्दू के कुछ उपसर्ग जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। देखिए उर्दू वाले खास करके ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबकी भाषा नहीं है, और हिंदी में उर्दू पूछ लेने से थोड़े क्वेश्चन हार्ड भी बनते हैं। तो आप थोड़े ध्यान से इसे देखिए, और इस वीडियो के लास्ट में हम जब आपसे क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर भी उर्दू से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे।
जैसे ला शब्द होता है एक जो उपसर्ग के रूप में लगता है, उपसर्ग मतलब ध्यान रखिए उपसर्ग मतलब कि आगे, तो ला मतलब होता है बिना, जैसे कि लाचार बिना चारा का, लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो, लापरवाह जो परवाह ना करता हो, लापता जिसका कोई पता ना हो, तो ला मतलब होता है बिना। बद मतलब होता है बुरा, जैसे बदसूरत बदनाम बद दिमाग बदमाश बदकिस्मत और भी इसी तरह। बे मतलब होता है बिना, या को अर्थ तो जरूर याद रखना है क्योंकि परीक्षा में यही पूछे जाते हैं, बेकाम बेअसर बेरहम बेईमान बेरहम इत्यादि। कम मतलब होता है थोड़ा, जैसे कि आपने देखा संस्कृत वाले में उन प्रयोग होता था एक कम के लिए, और इसमें कम जब प्रयोग होगा तो पूछा जाएगा कि जो कम शब्द है ये किसका उपसर्ग है, हिंदी का उर्दू का इंग्लिश का, तो जो कम शब्द है ये उर्दू का उपसर्ग है, आपको ये भी याद रखना है। कमसीन कम ख्याल कमजोर कम दिमाग कम जात इत्यादि। एक शब्द आता है गैर, गैर मतलब होता है के बिना या फिर निषेध, जैसे गैर कानूनी गैर जरूरी गैर हाजिर गैर सरकारी कुछ और भी इसी तरह। जैसे कि शब्द है खुश जो कि उर्दू है, अभी हम उर्दू वाले को कवर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि उर्दू को कवर कर रहे हैं। ये होता है खुश, खुश मतलब कि श्रेष्ठता के अर्थ में, जैसे खुशनुमा खुशगवार खुश मिजाज खुशबू खुश दिल खुशहाल इत्यादि। ना मतलब होता है अभाव, जैसे कि नाराज नालायक नाम नामुमकिन नादान नापसंद नादान इत्यादि। अल मतलब कि होता है निश्चित, जैसे कि अलबत्ता अलगरज, तो जहाँ पे ये अल शब्द लग रहा है ये उर्दू का उपसर्ग है और इसका मतलब होता है निश्चित। दो चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। बर मतलब होता है ऊपर पर या फिर बाहर, जैसे बर्खास्त बर्दाश्त बरवक्त इत्यादि। बिल मतलब होता है के साथ, मतलब कि बिल आखिर बिल्कुल बिलवजह। हम मतलब होता है बराबर या फिर समान, हम उम्र हमदर्दी हम पैसा इत्यादि। तो ये हैं कुछ उर्दू के शब्द, और भी कुछ उर्दू के शब्दों को देखेंगे क्योंकि हमने आपको बताया कि परीक्षा में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ब होता है ब मतलब होता है और या फिर अनुसार, जैसे बनाम बदौलत बस्तूर बगैर। बा मतलब होता है सही, जैसे बाइज्जत बाइज्जत बड़ी करना बाकायदा बा अदब बा मौका। सर मतलब होता है मुख्य मतलब हेड सरताज सरदार सरपंच सरकार। बिला मतलब होता है बिना मतलब बिला वाला वजह बिलासक। हर मतलब होता है प्रत्येक हर दिन हर साल हर एक हर बार। दर मतलब होता है में दरअसल दर हकीकत। फिल या फिर फी का जहाँ भी प्रयोग हो इसका मतलब होता है में प्रति मतलब फिलहाल या फिर फी आदमी इससे बनने वाले शब्द हैं। अब देखेंगे कुछ अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में। अभी तक हमने हिंदी और उर्दू को देख लिया, संस्कृत को भी देख लिया है, अब अंग्रेजी के उपसर्ग को देखेंगे। अंग्रेजी में होता है सब, जैसे कि सब कमिश्नर इस तरह जो शब्द आते हैं, तो सब इंस्पेक्टर, तो सब मतलब होता है अधीन या फिर नीचे। सब मतलब जैसे एक इंस्पेक्टर होता है एक सब इंस्पेक्टर होता है, तो सब मतलब कि नीचे, जैसे कि सब जज सब कमेटी सब इंस्पेक्टर। डिप्टी मतलब होता है सहायक, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार डिप्टी मिनिस्टर, ये आपने सुना होगा। तो ये होता है डिप्टी सीएम, तो ये होता है सहायक। वाइस वाइस मतलब भी होता है सहायक, जैसे कि अंग्रेजों के समय में शब्द था वाइस राय वाइस चांसलर वाइस प्रेसिडेंट जो अभी है। इस तरह होता है जनरल, जनरल मतलब कि प्रधान जनरल मैनेजर जनरल सेक्रेटरी। चीफ मतलब भी होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर चीफ इंजीनियर चीफ सेक्रेटरी इससे बनने वाले शब्द हैं। हेड हेड मतलब होता है मुख्य, हेड मास्टर हेड क्लर्क ये इससे बनने वाले शब्द होते हैं। आपको याद कर रखना है कि ये कौन से शब्द हैं, उर्दू है हिंदी है संस्कृत है या फिर अंग्रेजी है, और इनका अर्थ क्या होता है। देखते हैं कुछ और को। अधा मतलब होता है नीचे, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं कई तरह से। अधा मतलब नीचे, अधा पतन अधोगति अधोमुखी अधोलिखित इनसे शब्द बनते हैं। अंता मतलब जिस इनसे शब्द बनते हैं अंताकरण अंतापुर, तो अंता मतलब होता है भीतरी अंताकरण अंतापुर अंतर्मन और अंतरदेशी इनसे शब्द बनते हैं। और से होता है अभाव, जैसे कि अशोक अकाल अनिति अधर्म अज्ञान अनिति। चीर मतलब होता है बहुत देर, जो चीर होता है जैसे कि चिरंजीवी चीर कुमार चीरकाल चिरायु मतलब ज्यादा दिनों तक जीने वाला, तो चीर मतलब होता है बहुत देर। पुनर् मतलब कि फिर पुनर्जन्म पुनर्लेखन पुनर्जीवन पुनर्निर्माण पुनरागमन। बहिर मतलब होता है बाहर बहिर्गमन बहिर्जगत बहिष्कार या फिर बहिर्द्वार। उसी तरह कुछ और भी शब्द हैं जैसे कि सत मैंने सच्चा। यहाँ पर देखिए हमने सारे कवर कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको थोड़े परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूरा मतलब कि पुरातन मतलब इससे जो शब्द बनते हैं पुरातत्व पुरावृत्त। सम मतलब होता है समान समकालीन समदर्शी समकूट और समकालिक शब्द बनते हैं। स मतलब साथ सहकार सहपाठी सहयोगी सहचरी से शब्द बनते हैं। अन मतलब अभाव या फिर निषेध अनर्थ अनंत शब्द बनते हैं। अंतर मतलब कि भीतर अंतर्नाद और अंतर्राष्ट्रीय से शब्द बनते हैं। का या फिर कु मतलब होता है बुरा का पुरुष कुपुत्र ये इससे शब्द बनते हैं। पुरा मतलब होता है पहले और इसे जो शब्द बनते हैं पुरातन पुरातत्व। स मतलब होता है सहित सपरिवार सदेह सचेत इससे शब्द बनते हैं। आलम मतलब होता है स्वभाव और विकार और इससे जो शब्द बनते हैं ये अलंकार। आविस मतलब होता है प्रकट या फिर बाहर होना, इसे जो शब्द बनते हैं आविष्कार अविर्भाव। तिरस मतलब कि तिरछा टेढ़ा या फिर अदृश्य होना, इसे जो शब्द बनते हैं तिरस्कार तिरुभाव। पुरस मतलब होता है सामने और इसे जो शब्द बनता है यह पुरस्कार। प्रादुर प्रादुर देखिए इसे प्रादुर्भाव इसी से बनता है, इसका मतलब होता है प्रकट होना यानी कि सामने आना और इसे जो शब्द बनता है प्रादुर्भूत और प्रादुर्भाव बनता है। न मतलब आप जानते हैं अभाव मतलब नगण्य या फिर नपुंसक। तो ये था आपका पूरा एक चैप्टर उपसर्ग का, हमने इनमें उन सभी शब्दों को कवर कर लिया है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और अब शुरू होगा इसके लिए एक्सरसाइज, आपके सामने 2 से 3 सेकंड होंगे अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। और खास रिक्वेस्ट उन लोगों से जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं,
अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए, दूसरे का मत देखिए, आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन है कि कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। कमजोर, पहले तो आपको जानना होगा कि इसमें उपसर्ग है या फिर नहीं है। उपसर्ग का खासियत ये होती है कि उसका भी खुद का अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें से आप इस तरह इसको बांट दे कमजोर और इसके साथ र, क्योंकि ना तो र का कोई अर्थ निकलेगा ना ही कमजोर का कोई अर्थ निकलेगा, तो इस तरह नहीं होता है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें एक शब्द है कम, कम और दूसरा है जोर। तो इसमें हमने आपको बताया था कमजोर के समय, तो कम कौन सा शब्द है यही आपसे पूछा गया है। उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या फिर हिंदी है, तो आप देखेंगे कम होता है ये उर्दू शब्द है। कम क्या है? उर्दू शब्द है। दूरदिन में उपसर्ग कौन सा है? चलिए बताइए दूरदिन में कौन सा उपसर्ग है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं, तो जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप ये दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे नंबर का उत्तर बता सकते हैं लिख करके। इसमें है दूर, जो दूर है आप इसमें देखेंगे इसमें शब्द है दूर और दिन जोड़ करके दूरदिन बना है। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति इसमें कौन सा उपसर्ग है? क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं। अनुवृत्ति में आप देखेंगे वृत्ति मतलब दोहराना होता है, अनु इसमें एक शब्द है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा अनु। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण में उपसर्ग कौन सा है? प्रतिक्षण इसमें, तो आप देखेंगे कि क्षण एक अलग शब्द है, प्रति एक अलग शब्द है। प्रति मतलब कि उल्टा होता है, विरोधी होता है, तो इसमें उपसर्ग जो है प्रति है। निर्णय, निर्णय में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो या फिर तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कंफ्यूज करेंगे, पहला दूसरा और ये दो वाला लास्ट वाला, तो इसके लिए सही उत्तर आपका होगा निर, क्योंकि ये और ये तो सेम है, यानी कि इसका सही उत्तर है निर। निर्णय, रय और निर अलग अलग शब्द है, तो निर्णय इसका उपसर्ग होगा। अगला है कि किसमें अंतर उपसर्ग नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन ऐसा शब्द है जिसमें कि अंतर उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में होगा, तो कमेंट करके बताइए। देखिए अगर आप देखेंगे अंतरात्मा में तो इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय तो इसमें इस तरह का नहीं है, अंतर्गत में है, अंतरात्मा में है, अंतर्राष्ट्रीय में इस तरह का नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके बाद रॉ आ रहा है जो कि इसमें पूरा रॉ है, तो ये नहीं है और ये इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय।